तुम्हार नाम की? अपने नाम बता। बलराम। मोए है कटकर। हम तुम्हें यहाँ किसी के डर से नहीं लेकर के आए हैं, ना ही चैनल में देखकर टीआरपी बढ़ाने के लिए। तुमने जो चैलेंज किया था, 10 दिन जंगल में रहकर तुम हमारा इंटरव्यू लोगे। तुम्हारे जैसे बहादुर इंसान की हम कदर करते हैं, इसलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए। इस तरह जंगल में रहकर क्या हासिल करना चाहते हैं आप? स्वाधीनता, आजादी। इतनी दूर रहकर लोगों को आजादी दिला पाएंगे? अपना जीवन और की बात लाई क्यों आसने की? क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई मिशन है? हाँ है, टीवी चैनल में रिपोर्टर बनकर लोगों के सामने सच्चाई लाकर उन्हें जागरूक करना, यही मेरे जीवन का मिशन है। अपनी किबा करना ए लाइक ऑन टू एवरीबॉडी की। इसी कारण तुम अपना मिशन छोड़ सकते हो। उसी तरह हम भी नहीं छोड़ सकते। गरीबों के लिए रोटी बनाई, घर मकान, जब तक नहीं मिलेंगे हम लोग लड़ते रहेंगे। मेरी सास से चाहे खत्म हो जाए, पर ये बंदूक किसी न किसी के हाथ में हमेशा रहेगी और ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या इस तरह के मिशन कामयाब होते हैं? हर 10 मिनट में पाकिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ने वाला एक इंसान मारा जाता है। जब वो लोग आजादी नहीं दिला पाए तो आपको कैसे लगता है कि आप कामयाब होंगे? आजादी दिलाने का ये कौन सा तरीका है? आपकी बहादुरी के बारे में चर्चा कर रहा है। आपको क्या लगता है, दुनिया भर में जो तरीका नाकामयाब हो गया, क्या उसी तरीके से आप कामयाब हो जाएंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। आपके पास क्या? दुनिया के किसी भी टेररिस्ट के पास इस सवाल का जवाब नहीं। तुम्हारा हक देखिए, तुम्हारी बहादुरी मुझे अच्छी लगी। ए बलराम, क्या रे? हाँ। 4 दिन से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तेरा फोन नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है रे? अरे यार, मेरा फोन ऑफ था। ये क्या बात हुई यार? ये नहीं पूछोगे इंटरव्यू कैसा रहा मेरा? यार तू गया तो 100% सक्सेस हुआ था। यहाँ पर तो हमारे एमडी की हालत एकदम पतली हो गई यार। क्या हो गया यार? वो इंटरव्यू के लिए तो रोड पर इधर उधर टहल रहा है। अपने एमडी तो महान है और देवता स्वरूप है। हम लोग काम करें या नहीं करें, आप कब है सर? हेलो सर, वो टेररिस्ट का इंटरव्यू हो गया। प्रमोशन चालू कर दूं क्या? हाँ, सोचिए मत सर, प्रमोशन चालू कर दीजिए। सर आप फिक्र मत कीजिए, इंडिया का नंबर 1 चैनल होगा हमारा, ये गारंटी है मेरी। यस सर। फोन से रेट बढ़ा दूं क्या? हाँ बढ़ा दीजिए सर। यार तू तो सोना है। अरे यार तू सोना ही नहीं बल्कि तू तो हीरा है। We'll be right back.
बेटा फोन कट गया? पीछे आवाजें कैसी आ रही थी? कुछ नहीं सर, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, फायरिंग और बमबारी थी। पर कैसेट तो सेफ है ना? सर कैसेट कहाँ जाएगी सर? कोई सफाई मत दो, एक तो गलती ऊपर सफाई दे रहे हो। मेरे चैनल का रेट 80% से कम होकर 10% हो गया है। सर कैसेट गुम हो गए लेकिन बच्ची की जान तो बच गई ना। मेरे लिए सब कुछ मेरा चैनल है। सर आपको और क्या चाहिए? मैं अभी जाकर दोबारा इंटरव्यू शूट करके आ जाता हूँ, तब तो ठीक है ना? अब तू क्या शूट करेगा, तू कोई काम का नहीं है। ये देख, असम में पुलिस और आतंकवादियों के मुठभेड़ में कई लोगों की जाने गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उसमें भीड़ में कई आतंकवादी भी मारे गए हैं। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। मरने से पहले जो उसने इंटरव्यू दिया वो टेप तुमने खो दिया, अब कहाँ से लाओगे तुम उसका इंटरव्यू? सर कैसेट मैंने जानबूझकर तो नहीं गुम की। यस तुमने जानबूझकर किया है, मेरे चैनल का कुछ भी हो जाए। तूने तो बीबीसी चैनल में अप्लाई किया है ना नौकरी के लिए? ऐसी बातें करते हैं सर, मैंने इस चैनल के लिए कितनी मेहनत की है। नो मोर डिस्कशन, प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है सर, मेरे सर्टिफिकेट और क्लिपिंग दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। सब तैयार है, सेक्रेटरी इनके सारे पेपर दे दो। ओके सर। हेलो दिवाकर, मैं चौधरी। नमस्ते जी, मैं कल फ्लाइट से हैदराबाद आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं एयरपोर्ट आ जाऊंगा। अरे तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, किसी आदमी को भेज देना। हाँ जी जी, भेज दूंगा। और काम काज ठीक चल रहा है ना? आपकी दया से सब कुछ ठीक ठाक है। नमस्ते जी जी, ठीक है। ये क्या है? इसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहते हैं। इस सर्टिफिकेट से बीबीसी का इंटरव्यू नहीं दे सकता? पता है, इसीलिए तो ये सर्टिफिकेट तुमको दिया। एक इंसान के लिए बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की उतनी ही जरूरत पड़ती है जितने इंसान को काम करने के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। ऐसा लिखा है कि तू बीबीसी तो क्या, तू यहाँ के लोकल चैनल में भी काम करने के लायक नहीं रहेगा। ये ले। ये गलत है सर, आप मेरी जिंदगी के साथ मत खेलिए। चल क्या कर लेगा, गेट आउट। सर आपको मेरे बारे में पता नहीं है। क्या कर लेगा तू मेरा, क्या कर लेगा बोल। बलाम प्लीज, प्लीज बलाम। क्या बोला, किसको धमकी दे रहा है तू, किसको धमकी दे रहा है, गेट आउट। उस एमडी की तो ऐसी की तैसी। अरे यार, अरे बैठ, बैठ जा यार, बैठ बैठ जा। क्या उसको मार के पूरा प्रोग्राम कैंसिल करना चाहता है क्या? मेरी बात सुन, क्या करना है ये सोच। हाय बलराम। उसे वो देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वहाँ से निकल चुका है। सर बिल कितने? 40 रुपए सर। 40 रुपए। अच्छा ये लो, एंजॉय करो। थैंक यू सर। ठीक है जाओ। कमजोर हो गए हो। जाने के बाद एक भी फोन नहीं किया तुमने, ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारे बिना कैसे रहती हो, कभी सोचा है तुमने? बस इस जॉब से रिजाइन कर दो। रिजाइन देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसे डिस्चार्ज किया, जॉब गया। तुमने रेजिग्नेशन दे दिया है, इसलिए मैं भी ये जॉब छोड़ देती हूँ। बलराम आज तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, आज मौसम भी कितना रोमांटिक है। चलो ना उसका फायदा उठाते हैं, चलो ना घर चलते हैं, वहाँ बेडरूम में जाकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करोगी तो एक बच्चा पैदा हो जाएगा। हटाओ बाबा। देखो मुझे बाबा कहकर मत बुलाओ यार। अरे बाबा नहीं तो क्या बेबी कहके पुकार रहे तुझे? अपनी उम्र देखिए बेवकूफ। तेरा तो रेप कर देना चाहिए। क्या कहा? रेप मेरा मतलब है कल मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, वही स्पॉट में ही। स्पॉट में? अरे वहीं जाके मैं सगाई कर लूंगा। तुम लोग चुप नहीं रह सकते? ओ मेरी डार्लिंग का फोन है। हाय डार्लिंग। मैं डार्लिंग नहीं, मैं तेरा एमडी हूँ। नमस्ते सर। सर ठीक से सुन, कल सुबह 10 बजे चौधरी साहब एयरपोर्ट में आ रहे हैं, वहाँ से उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ के आ। इतने सवेरे सवेरे सर? बेवकूफ। बेवकूफ बोला मैं, मैं, मैं आपको नहीं सर। 10 बजे तुमको अर्ली मॉर्निंग लगता है? कल सुबह 10 बजे आने में कुछ प्रॉब्लम है सर। उसकी भी जरूरत नहीं है। okay. जब तुम्हारे मुंह पे रेजिग्नेशन लेटर मारूंगा तो तुम्हें कभी आने की जरूरत नहीं। गधे जो मैं बोलता हूँ वही कर। ओके सर, जब भी लड़की देखने जाता हूँ प्रॉब्लम आता है, क्या करूँ? कल चौधरी साहब आ रहे हैं, डिसूजा साहब कहते हैं उन्हें रेलवे स्टेशन रिसीव करने जाना है। वो यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें आने दो, मेरे ठेंगे से मैं नहीं जाने वाला। तुम जाओगे? मैं नहीं जाने वाला। तुम जाओगे? तुम 100 बार भी बोलोगे तो मैं नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला। मैं तुमसे 100 बार नहीं सिर्फ 1 बार कहूंगा और तुम जाओगे लड़की देखने। बोलो जाओगे ना? वो कैसे? हमारे चैनल का मालिक है चौधरी साहब, एमडी तो मामूली नौकर है। अच्छा मैं समझता हूँ। हमारे चैनल में चौधरी का पैसा लगा है, सारे पावर उसके हाथ में। बस चौधरी के पास जाकर उसे फ्लैट करना होगा। अगर उसने छोटा सा साइन कर दिया तो फिनिश। सुपर आइडिया मेरा राजा। मैं दिवाकर रेड्डी ये घोषणा करता हूँ कि बलराम एक सिंसियर रिपोर्टर है, अगर बीबीसी का रिपोर्टर बन जाएगा तो चैनल का नाम रोशन करेगा, इसीलिए बीबीसी में इंटरव्यू देने के लिए इसे एक अच्छी सी सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। भाई ये तो तुम्हारा बीबीसी चैनल में जाने के लिए पासपोर्ट रेडी हो गया और मेरी शादी के लिए ग्रीन सिग्नल भी। बलराम मैंने तो सुना है कि चौधरी बहुत ही डेंजर आदमी है। उससे ज्यादा मैं डेंजर हूँ।
You want some? You need some? Come and get some. कितने सालों के बाद इस धरती को छूने का मौका मिला। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू दिस सिटी। आई होप यू हैड अ प्लेजेंट जर्नी। कौन हो तुम? आई एम बलराम। बलराम स्ट्रॉन्ग। बाय द वे, आई एम नॉट कम फॉर फाइट, आई एम फ्रॉम चैनल एसएस। 15 साल के बाद हिंदुस्तान आ रहा हूँ, ये क्या उठपटांग इंग्लिश है? तुम्हें हिंदी नहीं आती क्या? हिंदी क्यों नहीं आएगी सर? किस भाषा में बात करूं आपसे? भोजपुरी, बिहारी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, जिस भाषा में बोलिए बात करता हूं। बोलो क्या? तुम ज्यादा बात करते हो। नहीं सर। ए, अंदर मेरी बेटी बैठी है, लगेज लेकर आओ, जाओ। जी सर। सोचा था इंग्लिश में फेंकूंगा तो गिर जाएगा, लेकिन ये तो रिवर्स मामला हो गया। तेरा क्या होगा बलराम? फॉरेनर लड़की को स्मूथली डील करना होगा। वेलकम, स्वागतम। विदेश से आए हमारे शहर में राजकुमारी का स्वागत है। नमस्कार, अभिवादन। मैं आपका सेवक, आपका सामान उठाने के लिए आया हूँ। वैसे आपकी हवा में यात्रा कैसी रही? हेलो हेलो हेलो, हु आर यू? माय नेम इज बलराम और मैं आपके पापा के चरणों में पत्रकार हूँ। चरणों में पत्रकार? What do you mean? ये रिपोर्टर है ना दीदी, प्योर हिंदी में बोल रहा है। बच्ची बहुत ही प्यारी और चालाक है। थैंक यू। रिपोर्टर होकर तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आती? इंग्लिश तो आती है, लेकिन तुम्हारे पिताजी को पसंद नहीं है। कह रहे थे कुत्ते की तरह भौंकते हो। What do you mean? जुरासिक पार्क के सामने अमेरिकन इंग्लिश, जेम्स बॉन्ड इज ब्रिटिश इंग्लिश, पेंटेड लाइट बैकहम इज सोसो इंग्लिश, एंड मिकी माउस इज इंडियन इंग्लिश। देखो मिस्टर, तुम ज्यादा बातें कर रहे हो। मैं ना, वो भी यही कह रहे थे। आप कुत्ते की तरह भौंक क्यों रही हैं? दीदी ने नहीं, इसने। अच्छा, ये नाम क्या है? संध्या। हाय संध्या। अरे ये कुत्ते का नाम नहीं है, दीदी का नाम है। ओ, और कुत्ते का नाम क्या है? चाको। हाय चाको। एक बात बोलूं, तुम्हारे कुत्ते का नाम तुम्हारी दीदी से अच्छा है। सर खुली यहाँ पर करेक्ट बताता है। भाई करनाल की गाड़ी कहाँ पर आएगी? 4 नंबर पे। आइए सर, जल्दी आइए, यही हमारा कोच है। आइए सर, बैठिए सर। सर विंडो खोल दीजिए, अच्छी हवा आएगी। ऐसे कोच में कभी विंडो खोली नहीं जाती, समझे? बहुत इंटेलिजेंट है। सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे, आपकी मूछें बहुत अच्छी लगती है। बलराम यही मौका है साइन करवा ले। 31 नंबर। नहीं सर, आपके साइन चाहिए बस। ये क्या? अरे ये पूरी सीटें हमारी हैं। ये क्या बोल रहा है? उठो उठो। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल करता हूँ। टिकट दिखाओ। वो देखो देखो, ये सारी सीटें हमारी हैं। ये तो जयपुर की टिकट है। हाँ जयपुर की गड्डी है। क्या बात करते हैं, ये तो करनाल की गाड़ी है, समझे ना? हाँ। बाप रे बाप, फिर जयपुर की गड्डी कहाँ है? वो देखो सामने जो ट्रेन खड़ी है ना, वही जयपुर की गाड़ी है, समझे ना? शुक्रिया। ओ वोटी बंटी शंटी मंटी, आ जाओ आ जाओ। एक गड्डी किसी से पूछा ना, कुछ समझने की कोशिश की, बस चढ़ गए। कुछ सोचा नहीं? सोचा, रिजर्वेशन चार्ट पर लिखा रहता है, कोई देखता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो बताइए आपकी क्या हालत होती। अरे रहने दो, तुम साइन के बारे में कुछ बोल रहे थे ना। हाथ हटाओ, टिकट दिखाओ। MTC। अरे चलो टिकट निकालो, ये आपकी फैमिली है? आगे स्टाइल मारने। क्या बोला? कुछ नहीं। कुछ तो बोला। टिकट। कहाँ जाना है? करनाल। तुम जा सकते हो, ट्रेन नहीं जाएगी, ये ट्रेन सिर्फ जयपुर जाती है। मजाक कर रहे हो? अभी तक तो सरदार गलत बोल रहा था, अब TC भी बोलने लगा। माई गॉड, बेंगलोर जयपुर करेक्ट है। डाउट क्लियर हो गया? मेरा तो हो गया, तुम्हारा करना है। यानी ये ट्रेन करनाल नहीं जा रही, जयपुर जा रही है। जयपुर? हाँ, कृपया ध्यान से सुनिए। सुन रहे हैं आप लोग, यहाँ एक नेम प्लेट लगी है जिसे आपने देखा ही नहीं। देख लीजिए, आप जैसे ही पैसेंजर बिना देखे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। देख लो, तुम तो अकेले हो, तुम्हारा क्या, लेकिन आप तो समझदार हैं, साथ में बच्चे भी हैं आपके, आपको तो कम से कम सोचना चाहिए था। आप लोग बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस करनाल की ट्रेन कहाँ मिलेगी? ऐसा पूछो, समझे? वो ट्रेन दिख रही है,
वो ट्रेन? वो नहीं, उसके बगल में जो लेफ्ट से जा रही है। वो तो जा रही है। चलो चलो जल्दी, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। जल्दी चलिए सर, जल्दी चलिए, ट्रेन जा रही है। जल्दी आइए। कमीने आराम जाते हैं, उल्लू तो पठिया सुअर से बच्चे, जयपुर की गड्डी बता के मेरे को करनाल की गड्डी में बिठा दिया, मार डालूंगा तेरे को। हाँ कहा जाके फोन करना, पुराना नंबर ही है, वही नंबर है, चटंगा तनु। हाँ अच्छी तरह जाना, कोई बात नहीं। ओके ओके। हाँ वो मुझसे ऐसे ही बात करता है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है सर। फ्रेंड है ना, तो जयपुर आने के बाद मैं तुझे काट डालूंगा, ऐसा क्यों बोला? सर बच्ची ज्यादा ही स्मार्ट है। ये तो स्मार्ट है, मगर तुम तो उल्लू के पट्टे हो, पता नहीं कौन सी ट्रेन में बिठा दिया। जब तुम्हें कुछ नहीं आता तो क्यों काम करते हो ऐसा? छे, इस दिवाकर के बच्चे ने तुम्हें क्यों भेजा मेरे पास? तुम्हारे आने से टेंशन बढ़ गई। सर सर हुँ? अगर आपकी तारीफ करूं तो बुरा मत मानना सर, आप हंसते हैं तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन गुस्सा होते तो बहुत अच्छे लगते हैं सर। अब कैसे जाएंगे हम बताओ? अपनी गाड़ी में जाएंगे सर, और क्या। मेरा घर है जिस जगह, वो जगह है खूबसूरत, उससे अच्छी कोई। ए, मेरा घर जिस जगह है, वो जगह है खूबसूरत, इनका घर जिस जगह है, वो जगह है खूबसूरत, उससे अच्छी और कोई भी जगह। शंभो 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 शिव शिव शंभो शंभो, एक लुक तो इधर भी डालो, कम न कभी हौसला हो, आशा हर फासला हो, जीत ही हमारी मंजिल हो, माने हार हम नहीं, चाहे मुश्किल हो कोई, निकली हवा पे अपनी सवारी, राहों से है यारी, हम प्रेम पुजारी, हम तो हैं अपने फन के खिलाड़ी। We gonna rock you and the style. We gonna rock you and the style. We gonna rock you and the style. Jai Shambho Shambho Shambho, Shiv Shiv Shambho Shambho, ek look to idhar bhi daalo. Humna kabhi hausla ho, aasa har faasla ho, jeet hi hamari manzil ho. मिर्ची मसाला चक चक नटोरा हिल टॉप बंजारा बीबीसी ननेरा अंत सीन लेडोरा नदी पे किनारा क्यों, पेड़ों में है साया क्यों, आ तुमको राज दुनिया का आज बताऊं। दुनिया कर लथरा तो हाथों में ले पैसे तू, फिर होंगे गुलाम सब तेरे यार मान तू। पर्स में बस पैसे होने चाहिए, फिर जो चाहे कर तू। दिल को भी एक दिल भर चाहिए, सच है ये मान ले तू। जय शंभो 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 शिव शिव शंभो शंभो, एक लुक तो इधर भी डालो।
राहें गुजर के सारी, एवरेस्ट चढ़ के सक्सेस हो के भारी। कल परसों में बीत जाए बरसों ना, कर ले सब कुछ अभी। आग उगलने वाला रॉकेट बन के सीना गगन का दे चीर। We gonna rock you and the sky, we gonna rock you and the sky, we gonna rock you and the sky. बीबीसी चैनल में एक वैकेंसी है, बीबीसी चैनल में काम करना मेरा सपना है। उसी के लिए तो सर मैं आपसे साइन करवाना चाहता था। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है सर, छोटा सा काम है। मूछें अच्छी हैं, पर खर्राटे अच्छे नहीं है। ए, गेट खोल, गाड़ी को जाना है। ट्रेन आ रही है, अभी फाटक नहीं खुलेगा, जाओ। ए, चल हट ना। भाई ट्रेन आ रही है, रुकने के लिए कहाँ है? रेल जाने के बाद तुम बाहर क्या कर रहे हो? देखिए सर, कितने लोगों को काट कर चले गए, कितनी लाशें बिछी हैं। मतलब हमारा गांव आ गया है? आपका गांव बहुत खतरनाक है सर। क्या खतरनाक है? अरे हमारे जमाने में एक आदमी निकलता था तो 10 आदमी को मारता था। अब भी एक आदमी को मारने के लिए 10 आदमी निकलते हैं। इंसान की ताकत कम हो गई और हथियारों की ताकत ज्यादा हो गई। गाड़ी निकाल, सीधे चले ना। हाँ हाँ, किस काम के लिए निकला था, कहां पहुंच गया? नमस्कार जी। नमस्कार। ओम राजाधिराजाय प्रदक्ष साहिने नमो वयम् वै श्रवणाय कुर्महे। अरे रे रे, ये सब किस लिए? सर आपके प्रति इज्जत और अभिमान है सर। हमने क्या किया है सर? आपने तो इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है, हम लोग आपके आभारी हैं। आप अमेरिका जाने के बाद भी अपने संस्कार और अपनी संस्कृति नहीं भूले और इस गांव की भलाई के लिए पूजा अर्चना करवाते आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मातृभूमि जन्मभूमि के लिए कुछ करना ही हमारा कर्तव्य है। वैसे जब भी मैं इस गांव में आया तो मुझे बहुत बदलाव नजर आया। अमेरिका में मैंने करोड़ों कमाया, लेकिन वहां पर मैंने मेहनतकश
ईमानदार इंसान नहीं देखे बल्कि यहाँ पर देखे हैं। और अब जिंदगी की आखिरी सांस तुम लोगों के साथ ही गुजारूंगा, ऐसा सोचकर मैं यहाँ पर वापस आया हूँ। सर, आपके आने से दो भविष्य बदल गए। किसका? आपके आने से गांव का, और गांव में आने से आपका। सर क्या खूब बोला। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ सर? चलिए। सर सर, हेलो। आप यही कहोगे ना कि आप हंसते हो तो अच्छे लगते हो, यही डायलॉग है ना? बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। डैडी। बेटी कैसा लगा हमारा घर? बहुत अच्छा है डैडी। ए ए सुनो सुनो, गाड़ी निकालो, मुझे बाहर जाना है। ए क्या है तुझे, मैं क्या नजर आता हूँ? हाँ, ड्राइविंग सीट पर बैठा हूँ, इसका मतलब क्या मैं ड्राइवर हो गया? मेरा नाम क्या है जानती है? बलराम, बलराम। ए मेरी रेंज बीबीसी की है, मैं क्या तेरे पैरों में गिरकर कहूंगा मैडम गाड़ी तैयार है? अरे एक सिग्नेचर हो जाए फिर देखना, मैं उस ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा कि देखना तुम जैसों के लिए मेरे पास एक मिनट भी नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? फिर देखना तुम्हारे जैसी न जाने कितनी लड़कियां मेरे आगे पीछे घुमा करेंगी, समझे? अगर इतना ही अर्जेंट है तो वहां देखो, वहां पर बैलगाड़ी है और चालक भी है। टैंक ओवरफ्लो हो रहा है। अरे मैडम तो पूरा गांव आराम से घूम सकती हो। तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। बताता हूँ सर, मैं आतंकवादियों का इंटरव्यू लेकर वापस लौट रहा था, तब तक सब कुछ ठीक था, सब तरफ शांति छाई हुई थी। अचानक भड़ाम से बम फूट गया, अचानक सब लोग इधर उधर भागने लगे, धमाके के साथ मैं भी भागा सर। ओ। और तभी मैंने देखा एक छोटी बच्ची आग के अंदर फंसी हुई थी सर, कोई बचाने वाला नहीं, मैं कूद गया सर और जान पर खेलकर उसे बचा लिया। ऐसा हुआ था? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था सर, क्या मैंने गलत किया? हाँ? इसके बारे में तो दिवाकर रेड्डी ने कुछ भी नहीं बताया था। अभी सर वो बच्ची आपकी बेबी की तरह बिल्कुल प्यारी थी, मासूम बच्ची थी सर, क्या मैंने गलत किया? ये कहानी बोलिए सर, अगर मेरी जगह पर आप होते तो आप भी मेरी तरह ऐसा ही करते ना सर? तेरी कहानी समझ में आ गई, ला लेटर दे, साइन करता हूँ, ला। थैंक यू सर। डैडी एक मिनट। मैडम आप वो बाहर जाने की बात कर रही थी ना, डैडी के साइन करता ही ले चलूंगा। हा? अरे अरे ये क्या कह रहे हैं आप, क्या कोई ड्राइवर है? आपकी पोजीशन का, आपकी रेंज का क्या? तुम सही कह रही हो, इसको बहुत ऊपर रेंज में होना चाहिए था, वो मेरा साला है ना दिवाकर रेड्डी, इसकी रेंज को रोके हुए था। अगर मैं साइन करूंगा तो इसे गुड सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इसे बीबीसी जैसे बड़े चैनल में काम भी मिल जाएगा। अगर ये नौकरी छोड़ देते हैं तो हम इन्हें कहीं और रिकमेंड कर सकते हैं, ये ड्राइवर अच्छे हैं और वैसे भी हम इनकी ड्राइविंग देख ही चुके हैं, मुझे लगता है एक अच्छे ड्राइवर के तौर पर इन्हें नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन ये बीबीसी चैनल का मामला है, अगर कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आपके नाम का क्या? इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर को चार दिन यहाँ रहकर ही अपने गांव का ही कवरेज शूट करने को कहें तो। अगर आपको अच्छा लगे तो साइन कर देना। बेटी ने जो बोला सही बोला। क्या सही है सर? कुछ भी सही नहीं है, गांव का कवरेज शूट करने और गुड सर्टिफिकेट से क्या संबंध है सर? हा? मैं कौन हूँ, मेरा रेंज क्या पता है? नेशनल इंटरनेशनल रेंज है मेरा। इसका मतलब ये गांव बेकार है, या जो कुछ होता है वो चीप है? थर्ड ग्रेड लोगों को तुम शूट नहीं करना चाहते, यही ना डैडी? तेरी ये मजाल। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है सर, ये गांव तो बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत प्यार से रहते हैं, मेरी नजर में तो इससे अच्छा गांव दुनिया में कहीं भी नहीं है सर। आप जैसा कहते हैं मैं गांव को वैसा ही शूट करूंगा सर, लेकिन सिग्नेचर करना मत भूलिए। पहले शूट करो फिर देखते हैं। ठीक है। हेलो, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना था ना, मैंने तुम्हारे पूरे चार दिन वेस्ट कर दिए, अब घूमते रहना यहाँ वहाँ, फिर देखते हैं डैडी साइन करते हैं या नहीं। कैसा लगा मेरा नेटवर्क? तेरे थोबड़े जैसा एकदम बेकार। हेलो, मेरे डैडी ने बोला कि बकरी को तीन पांव होते हैं और दीदी कहती है कि पांच होते हैं, दोनों के बीच अच्छी तरह फंस गए हो, बेस्ट ऑफ लक। बलराम ने इसके जैसे बहुत देखे हैं, इसे भी दिखा दूंगा। मर जाओ तो छोड़ो मुझे, मैं तुम लोगों को देख लूंगा, छोड़ो मुझे, देख लूंगा तुम लोगों को, छोड़ूंगा नहीं।
छोड़ दो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा तुम लोगों को। छोड़ दे उसको। अबे छोड़। ए भीम सिंह, तारे कहाँ सोचते हो तुम लोग कि हमको खबर नहीं होगी कि वो नरसिम्हा तुम्हें भेज कर सरकारी बोली लगाना चाहता है। ए भीम सिंह, तुमने मेरे भाई से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, समझा? हमसे पंगा मत ले, मेरे भाई की ताकत को तू नहीं जानता, नहीं तो पछताएगा। बहुत बोलता है तू। क्या बोला तू? ये तुमको नहीं बोलना था। अगर ये बोली हमारी लग गई ना तो हम भी उससे बड़े हो जाएंगे। अगर किसी ने मुझ पर हाथ उठाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, मेरा भाई तुम लोगों को चुटकियों में खत्म कर देगा। अरे तो हम क्या करें? तू हमको कमजोर मत समझ, हम भी सुनामी हैं। खेल खत्म कर दूंगा हम तुम्हारा, खेल खत्म कर दूंगा तुम्हारा। सरकार की बोली 1 करोड़, भीम सिंह की बोली 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। बोली तो बढ़ा रहा है। भीम सिंह की बोली 1 करोड़ 25 लाख, इसके आगे कोई है? कोई है? कोई है? कोई नहीं। भीम सिंह से पंगा लेकर इस धरती पर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है, बुझे? भीम सिंह, मेरे आदमी को मारकर बोली लगाकर तू क्या सोचता है? तू मेरे से बड़ा हो गया? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, जिंदा जला दूंगा। उसका एक भी आदमी नहीं बचना चाहिए, टुकड़े टुकड़े कर डालोगे। नहीं पिताजी, जो करना है सोच के करो। सोच समझ कर करने के लिए कोई शादी नहीं हो रही है। बदला लेना है बदला, मुझे उसकी मौत चाहिए, उसका काम अभी तमाम हो जाना चाहिए। जैसा आप कहें पिताजी, पर अभी नहीं। विदेश से चौधरी साहब आए हैं, मंदिर की पूजा होने दो। भीमा सिंह, आज तो बच गया तू, लेकिन तेरी मौत मेरे हाथों में है। बेटी को ले आओ, बेटी को ले आओ भाई। लड़की को बुलाओ, लड़की को बुलाओ, बोलने से क्या होगा, जल्दी बुलाओ लड़की को। लगता है दामाद जी को बड़ी जल्दी है। इतनी उम्र निकल गई फिर भी कुछ नहीं हुआ, अब तो कुछ करने दो, समझने की कोशिश करो। मेरी फीलिंग्स को समझकर कुछ करो यार। आ जाओ बेटी। कॉफी कॉफी फोन वाइब्रेशन पे है क्या? मैं खुद वाइब्रेशन पर हूँ, फोन का वाइब्रेशन क्या देखूँ? हेलो, मैं बलराम। हाय बलराम। कन्हैया कहाँ है? मुझे बात नहीं करनी। देख बात कर। लड़की कैसी है? लड़की की बात तुम्हें क्या कहूँ यार, बहुत सुपर, हुमा खान जैसी लगती है यार। तुम तो बहुत लकी है यार। ऐसा है, दिल कहता है मैं इसी के घर पर सेटल हो जाऊँ, यहाँ भी किसी बात की कोई कमी नहीं है। देखने में इतनी सुंदर है, दिल कहता है यही स्वागत मना लूँ। तो मना लेना। अच्छा तुमने उन लोगों को ट्रेन पर चढ़ाकर लेटर पर साइन ले लिया ना? ए नहीं यार, ट्रेन मिस हो गई इसलिए करनाल छोड़ने आना पड़ा। क्या कमल? अरे यार वहाँ कितने बम फटते रहते हैं, तुझे मालूम नहीं है क्या? ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों गए हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अरे वहाँ पर तो छोटी छोटी बातों में बम से उड़ा डालते हैं, दिन दहाड़े लोगों को काट डालते हैं। तू जल्दी से वहाँ से अपने काम पूरा करके वापस आ जा। नहीं यार अभी नहीं आ सकता। हाँ? 4 दिन यही रुकना पड़ेगा, उसके बाद आऊंगा। क्या 4 दिन और लगेंगे? मेरे ड्रेस का क्या होगा? तेरी ड्रेस की क्या पूछता है यार। हाँ? मैंने ऐसा ड्रेस पहना है कि नीचे से ऊपर तक हंगामा हो जाएगा। हंगामा हो जाएगा? I'm the king.
देखो कैसा डर गया। अरे बच्ची को संभाल कर ले जा। ए, चला गए। रेस देख रहा है। अरे जा हट। अरे पकड़ो पकड़ो इसे, इसे बैठा रहे आप। Down, down. नमस्कार नमस्ते चौधरी साहब। नरसिम्हा जी कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। ये मेरा बेटा है बालसिंह। नमस्ते अंकल। ए, कौन है? चौधरी साहब की बड़ी बेटी है। सुना है तुम्हारे और भीम सिंह के बीच झगड़े चल रहे हैं। अरे उस भीम सिंह को अपनी बीवी की जायदाद मिल गई ना, इसीलिए वो चल रहा है वो। लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा, मैं उसकी सारी अखंड निकाल के रख दूंगा, आप देख लेना। अरे इतना नहीं कर रहे। हाथ निकाल। ना निकालू तो मैं निकाल दूंगा। कहाँ निकालेगा? पैर के हाथ। क्या भाई वीडियो निकालूंगा ना, चौधरी साहब ने कहा वीडियो निकालने के लिए, वीडियो निकालूंगा। डैडी क्यों बुलाया आपने? डैडी देखो कैसे लड़ रहे हैं वो लोग। वाह क्या दांत है आपके। बढ़िया है। अच्छा ठीक है, बाय बाय। दोनों बहुत अच्छे लड़ाकू हैं, देखते हैं कौन जीतता है। नमस्कार चौधरी साहब। ओ भाई भीम सिंह। सुना है तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है। ये बात कौन बोला आपको? हम तो बहुत ही छोटे हैं मालिक, चाहे कितना ही बड़ा हो जाओ, आपके सामने तो मालिक आपके चरणों के धूल के बराबर हूँ। क्यों नरसिम्हा तुमने क्या बोला? इसके बातचीत और इसके रहन सहन का अंदाज कुछ भी तो नहीं बदला है। एक बार और मार। ये हुआ एक बार, ये हुआ दो बार, और ये हुआ तीन बार। मैं चलता हूँ। अरे इलेक्शन में नहीं, जिंदगी में भी जीतना चाहिए। कहे सही बोला ना हमने? सही बोला ना? बहुत खूब बोला। जीने के लिए जीतना जरूरी है, और जीतना मर्दों की निशानी है। बात में दम है। वो नरसिम्हा, वो चौधरी साहब के साथ बराबर कुर्सी पे बैठ के बात कर रहा था, और आप जमीन पर बैठे थे। भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे हमने तो सिर्फ अपना सर झुकाया ताकि हम अपने छोटे भाई के सिर पर सेहरा बांध सकूं। समझा नहीं कहा? चौधरी साहब की बड़की बेटी के लिए दाना डाला हूँ। अगर जैसा हमने चाहा वैसा हो गया ना तो 35 गांव में हमारा राज होगा, हमारा राज। वो अपनी बेटी का रिश्ता नरसिम्हा के बेटे से करेगा, आपके भाई से नहीं। कहा बोला रे तू, कहा बोला रे तू? नहीं बोलना चाहिए था। वर्कआउट होगा, वर्कआउट होगा। कावा रे, कावा कावा बताना क्या है ना भाई, तेरी बीवी जो है एरे गेरे को पैसा दान कर रही थी, तो मैंने इसे समझाया कि घर का पैसा घर में ही रखना चाहिए, उसे उड़ाना नहीं चाहिए।
दूसरी बार ऐसा ना करे इसलिए थोड़ा सा हाथ जलाया। गलत क्या भाई? अरे नहीं बहना, इसने चीखा वो गलत है। एए, अरे इतना चीखने की क्या जरूरत थी रे? हाँ, थोड़ा मरहम लगाएगी ना तो ठीक हो जाएगा। साबित क्या करना चाहती है कि भीम सिंह तुमको टॉर्चर करता है? नहीं जी, वो क्या है ना पिताजी, जब थे तो घर पर कोई भी गरीब आदमी आता था तो मैं उनकी मदद कर देती थी। आखिर ये सब कुछ पिताजी का ही तो है ना, एक घर जायदाद सब कुछ उनका था ना। अच्छे आदमी थे इसीलिए वो ऊपर गए। कहाँ चले गए? ऊपर। अब उनको याद करने से क्या फायदा बताओ ना, क्या फायदा? हाँ सही है ना, मंदिर जाना है ना। हाँ तो जा, ए इसको मंदिर लेके जा, जा ना जा। अरे जा। ए दीदी, इस घर में बहू आने वाली है, नई बहू। ऐसा क्या? चौधरी की छोटी बेटी छोटे के लिए, ठीक रहेगा ना दीदी? छोटे तू जो भी करता है अपने परिवार के भलाई के लिए करता है ना। ए चल रे, जल्दी से लकड़ी तैयार कर लो, और एक दुल्हन आने वाली है। ए आ रहा हूँ। आओ मेरी प्यारी तोती से अपना भविष्य जान लो, मेरी प्यारी से एक चिट्ठी से तुम्हारा भविष्य दिखा देगी। आजा मेरी प्यारी सानिया, जो होने वाला है और जो हो गया है वो सब कुछ बता डाल। ए, अगर इसने सही भविष्य नहीं बताया तो तेरा भविष्य मैं बताऊंगा। गलत चिट्ठी मत निकालना वरना मेरी चिट्ठी निकल जाएगी। अरे ये तो काली माता, यह लगता है आपकी जिंदगी में औरत की वजह से भयंकर समस्या आएगी। जोशी जी, औरत कोई समस्या नहीं है, वो लड़की समस्या है। हाय। एक्सीलेंट। मुझे फ्लाइंग किस क्यों दी? लगता है तो मुझसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हो। मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा था बल्कि प्यारी सी मुन्नी को किस कर रहा था। पता नहीं इस लड़की से कौन शादी करेगा, बेचारा धोबी का कुत्ता बनकर रह जाएगा। ए, मेरे पति के बारे में तुम चिंता मत करो, स्टे इन योर लिमिट्स ओके। अरे मैं तो तुम्हारे पति को नमस्कार करके माला पहनाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे झगड़ा मत करो, रुक जाओ रुक जाओ, पूछूंगा वो सब कुछ बताएगी। इसमें अपनी कैसेट क्यों मजा रहा है? अरे कैसेट की बात नहीं है, ये एकदम करेक्ट बोलेगी। मेरे पेट में लात मत मारो। अरे एकदम करेक्ट चिट्ठी निकालना मेरी प्यारी तोती, इसको कैसा पति मिलेगा, नहीं तो भाई साहब हमारी शादी करवा देंगे। अरे कहाँ चली गई? अरे वो तो चिट्ठी इसलिए नहीं खोली क्योंकि उसके अंदर बम होगा। ए सुनो, ससुर मैं चाकू चिट्ठी लेकर आऊं, मुझे पढ़नी है। देखना चाहती हो उस चिट्ठी में क्या है? ये बालाजी की तस्वीर है। तुमने तो कुछ और ही कहा था, निकल गई हवा। चल। एक्सक्यूज मी, आई टॉक यू। मेरा नाम शंकर सिंह है, मेरे बड़े भाई का नाम भीम सिंह है। सो व्हाट? इंग्लिश बाद में बोल, पहले मैटर पे आ, मैटर पे। मैंने तुम्हारे लिए गुलाब का फूल खरीदा और जब मैंने तुम्हें देखा तो गुलाब का फूल वापस कर दिया। फिर मैंने तुम्हारे लिए चूड़ियां खरीदी, अच्छा, और तुम्हारे हाथ में देखकर रिटर्न कर दी, नहीं तोड़ दिया। ओ-ओ। तुम्हारे ड्रेस से जो मैच करे वो चीज लाया हूँ। ये कैसा हो गया? रिबन लाया हूँ, ले लो प्लीज। रिबन का मैं क्या करूँगी? पहले ले लो, बाद में बांध लेना। ले लो ना, ये रिबन नहीं मेरा हार्ट है। एक्सक्यूज मी, ये रिबन नहीं मेरा हार्ट है, संभाल के रखना, भूलना नहीं। आ गया ना चिट्ठी वाला, शादी के पहले रिबन, सॉरी हार्ट। जरा संभाल के, संभाल के, हाँ हार्ट टूट जाएगा। मार दूंगी, आ दूंगी। उधर देखो जरा, संभाल के, संभाल के। बांधने के लिए दिया, वो उसी रिबन से उसे मार रही है। अरे मेरी सानिया को मुझे लौटा दो, मेरी मैं नहीं छोड़ूंगी। आ जा। हमारा गला कहे दबा रही है रे? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? सच बोल, हमको मारने का दिल हो रहा है ना? नहीं नहीं। अच्छा चल दबा। भाई ये वर्कआउट नहीं होगा, वर्कआउट करना होगा, मेरे लिए दूसरी लड़की देखो आप। आप चौधरी की लड़की के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हो? पता अभी क्या हुआ? क्या हुआ रे? कितने प्यार से मैंने उसके लिए एक रिबन खरीद के दिया, उसे चोटी में बांधने के बजाय पैरों में कुचल दिया, वो मुझे लव नहीं करती है। अरे जो खूबसूरत लड़की होती है ना, खूबसूरत पैसे वाली, उनसे सिर्फ शादी करते हैं,
प्यार नहीं करते, का नहीं करते? लव। आप कितना भी बोलो वो मुझे पसंद नहीं करती है, वो बलराम को पसंद करती है। अरे लड़की ऐसी होती है रे, पहले उनका दिल जीता जाता है। तू एक काम कर, शहर लेके जा और उसको जितना दिल करे सोना चांदी दिला। अरे भाई ये उस फोटो निकालने वाले की बात कर रहा है, उसका नाम बलराम है। बलराम? वो कौन रे? अरे वही जो चौधरी साहब का मेहमान है। तो सोच कर रहा है, खत्म कर डाल, मार डाल उसको। ठीक है भाई। चौधरी साहब का मेहमान है वो, इसीलिए हमारा नाम किसी को पता ना चले। कुछ सोच और उसको खत्म कर डाल। वॉच चाहिए कि नेकलेस चाहिए? वॉच। अरे तुम लोगों में से कोई कुश्ती लड़ने वाला है? कोई मर्द है इस गांव में जो मुझसे मुकाबला करे? आ जाओ देख लूंगा। इस गांव में क्या कोई माई का लाल नहीं है जो मुझसे मुकाबला करे? ए, क्या बात है, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? क्या कहा? काम में तू ही माई का बाल निकला, अब तेरी लाश यहाँ से जाएगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नमस्ते भाई, आपने कमाल की बात की भाई, मैं तो आपको मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। इसे छोड़ दो भाई, नहीं तो ये मर जाएगा। ठीक है, इसे छोड़ दूंगा, इसके बदले तू लड़ेगा? मैं लड़ूंगा? कैसी बातें करते हैं भाई, लोग हंसेंगे। कहाँ मेरी बॉडी, कहाँ आपकी? क्या बॉडी मेंटेन की है बॉस, मस्त है बॉडी, इसे कहते हैं। मुझे छोड़ दो ना भाई, कुत्ते को भी छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, अगर कुत्ता चाहिए तो मुझे मार कर ले जा। नहीं भाई, मुझे मार। अरे मैं आपको कैसे मारूंगा भाई? मार मुझे, मैं आपको नहीं मार सकता। अरे मार, हाँ मार, मारना पड़ेगा। आजा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आजा मार, हाँ मार मुझे। ठीक है तो मार देता हूँ। भाई चोट तो नहीं लगी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आर यू ओके? वो तुझे मना कर रहा था और तू है क्या उसे मारो मारो कर रहा था। अब देख लिया ना, जिंदगी भर कुश्ती लड़ने के लायक नहीं रहेगा, अब ऐसे ही पड़ा रहा है, लानत है। हाँ हाँ, आओ आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पड़ा है, हॉस्पिटल लेकर जाओ इसे। कितना मना किया था। तो सब लोग मिलकर मारोगे मुझे? अब मुझे भी अपना खेल दिखाना पड़ेगा। Thank you.
मारा रे? वो उस बलराम को मारने के लिए भेजा था, उसी ने मारा है। कितने लोग मिलकर मारे? उसने अकेले ही मारा है, सिंगल हैंड सिंगल पंच। भाई दिखने में सीधा साधा है, जब किसी को मारता है तो कमाल का मारता है। भाई क्या फाइट करता है, आप देखोगे तो आपको भी चक्कर आ जाएगा। अब तो देखना ही पड़ेगा, चले घड़िया निकाल। हेलो गुड मॉर्निंग, टुडे हैव अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम फॉर ऑल यू व्यूअर्स एंड दिस इज बलराम। अगर मेरे डैडी का इंटरव्यू लेना हो तो कैसे लोगे करके दिखाओ? मर्दानगी, मिट्टी की ताकत, यही है हमारे गांव की पहचान। क्या ना आप हमेशा मर्दानगी की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या बताएंगे कि आपने अपने हाथों से कभी कोई खून वून किया है? खून? हाँ खून, मैंने अपने हाथों से कई खून किए। एक बात कहूँ, बुरा मत मानिए, आपकी हंसी एकदम सड़ियल है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर तो तुमने कहा था कि मेरी हंसी बहुत अच्छी है। अरे वो तो लेटर साइन करने के लिए कहा था, ये बीबीसी है, यहाँ सच बोलना पड़ता है। अच्छा ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं? एक संध्या और विद्या। क्या आप अपनी बेटी संध्या से हमारी मुलाकात करवा सकते हैं? संध्या, 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 अरे बाहर क्या कर रही हो? बच्चों के साथ बच्ची बनकर खेल रही हो क्या? मेरा इंटरव्यू लेना है, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। क्या पिताजी, ऊपर कितनी अच्छी केरी तोड़कर खा रही थी, पूरा मजा खराब कर दिया, क्यों बुलाया? आप हरदम गुस्से में क्यों रहती है? वो क्या है ना, बचपन से मुझे इस तरह गुस्से में रहना अच्छा लगता है। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे क्या पसंद है पता है? लोगों को सताने में मजा आता है, उनको चोट पहुंचाने में मजा आता है, और उनके खून की आखिरी बूंद तक पी जाने में मजा आता है, और उसके बाद मैं हैप्पी हो जाती हूँ। हंसना बंद करो, रोक दो अपनी हंसी, तुम्हारा इस तरह चुड़ैल की तरह दांत निकाल कर हंसना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम सैड स्टोरी हो, तुम क्राइम स्टोरी हो। क्या बात है, लगे रहो। अरे रे संध्या जी आप कब आई? अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, बीबीसी की प्रैक्टिस कर रहा था और कुछ नहीं। बहुत अच्छी, लाइए वो कैमरा मुझे दीजिए। मैंने बस ऐसे ही रिकॉर्ड किया, डैडी को दिखाऊंगी। अरे देखो देखो, ए संध्या, संध्या, संध्या सुनो, अरे अरे सुनो तो, संध्या मेरी बात सुनो, अरे संध्या रुको, ए ए क्या कह रहे, अरे ऐसा मत करना संध्या। सॉरी, जिंदगी खोने के लिए आया कहा? नहीं नहीं, कुछ पाने के लिए। यही है भाई। ए, वो डीवीडी दो वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। हाँ? सीधी तरह देते हो या जाकर डैडी को बोल दूं? जा, जिसको जो बोलना है बोल दे, बढ़िया ही बोलने वाली। Get lost. उस लड़की को चाहते हो, प्यार करते हो, लव है? दिमाग खराब तो नहीं है तेरा? कह रहा भाई, जो लोग हाथ में गुलाब का फूल लेकर लड़की के पीछे यहाँ वहाँ भागते हैं वो लोग कर सकते हैं, जिंदगी में जिनका लक्ष्य न हो वो लोग करते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य और मेरी सोच अलग है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, जल्दी से जल्दी तरक्की करके मुझे बीबीसी चैनल में रिपोर्टर बनना है, यही मेरा लक्ष्य है, समझे? हाँ, और ये लव वगैरह करने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। वो जो तेरे पीछे खड़ा है ना, तेरा भाई, उसका काम है। लड़के में दम है रे? हाँ भाई, लड़के में बहुत दम है, तभी तो अकेले ही हमारे आदमियों को मारा। Hey! तेरा नाम क्या है? बलराम। हाँ बलराम। प्यार करने के सारे गुण उसके अंदर है और फिर भी वो मना कर रहा है। तेरे अंदर तो कुछ नहीं है फिर भी लग करता है। लव नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। गलत बोलता है तू, गलत बोलता है तू। लव करने के लिए मना किया है, शादी करने के लिए मना नहीं किया है। शादी करना चाहिए ना, पर प्यार नहीं। ए गाड़ी निकाल। उतर गया प्यार का भूत? क्या बोला? मैंने कहा उतर गया प्यार का। अब उतरा भूत। होशियारी से इस ज्योति को बाजू के गांव वाले छीनने के लिए प्लान बना रहे हैं। अरे पड़ोस वाले गांव का क्या, पूरे 15 गांव वाले भी आ जाए तो मेरा बेटा लड़ने के लिए तैयार है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, जा बाज दे। चलो सब लोग। दुर्गा माता की जय।
ए, तू कहाँ जा? आप ही ने कहा ना? कोई जरूरत नहीं, तू जा यहाँ से। जा, अरे जा ना। धर्म में बता। जा, जा, जा। अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले खुद जाने के लिए कहा और अब मना करने लगे। अरे ज्योति ले जाना, बच्चों का खेल नहीं है। इससे कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई ज्योति कलश आने के बाद ही ज्योति डांस होगा। अरे चल यहाँ से। क्या है बलराम, ये गांव में 15 साल में एक बार ज्योति जलती है। ज्योति को हासिल करने के लिए आजू बाजू के गांव के लोग कोशिश करते हैं, इसीलिए तुम्हें शूट करने से मना किया हुआ है। ज्योति कलश के लिए लड़ते हैं। ज्योति कलश के लिए खून खराबा क्यों करते हैं? ऐसा है बेटा, माँ का आशीर्वाद, गांव की इज्जत मर्यादा सब कुछ है, और उस ज्योति को जो गांव वाले ले जाते हैं उस गांव में लक्ष्मी का प्रवेश होती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो मैं जाकर ले आऊं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ। बाहर वाले नहीं कर सकते, इस गांव के लोग ही कर सकते हैं, और इस बार तो तुम्हारा मुकाबला ज्यादा है, और इस बार तो भीम सिंह और उसका भाई इस ज्योति कलश को हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई ज्योति कलश अपने गांव की तरफ आ रहा है। वो लोग नदी पार करने वाले। पानी से बाहर आ जाओ। देखियो मालिक, मालिक हमारे गांव की ज्योति भीम सिंह के हाथों में चली गई। तुम तो अपने बेटे को बड़ा वीर बोल रहे थे। मालिक इनके बेटे को भी बहुत मारा। अरे क्या ज्योति कलश नहीं आएगा तो डांस भी नहीं होगा। मालिक देखिए ज्योति कलश हमारे गांव की तरफ वापस आ रही है। नमस्ते मालिक, इस ज्योति को अपने गांव में लेकर जाओ। हमारे गांव में क्यों लेकर आए? अपने गांव में लेकर जाता तो सिर्फ हमारे गांव का भलाई होता, आपके गांव में रहेगा ना तो 15 गांव का भलाई होगा। ज्योति मंदिर में रहना चाहिए ना, आप जैसे बड़ लोग के निगरानी में होना चाहिए। मालिक हम आपके गांव के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। हासिल करना ही वीर का लक्ष्य होता है, और हासिल करके उसे दान करना वो महावीर होता है। तुम जैसा वीर मेरे गांव में पैदा नहीं हुआ, ये मुझे दुख है। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई मुझे पसंद आई। शाबाश भीम सिंह, शाबाश। दुर्गा माता की जय। जय हो दुर्गा माता की। अब ये हमारे घर की ज्योति बनेगी। ज्योति आ गई पर ज्योति लक्ष्य भी नहीं आई, शुभ लक्ष्य भी नहीं आई तो डांस कैसे होगा फिर? इस बूढ़े को बहुत जल्दी है। प्रोग्राम शुरू करो। शुरू करो। जादू जलवा जब चले हमरा, होश उड़ जाए रे देखे जे हमरा, चल 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 केला चोबन रस रंगोरे। कहाँ रे? आरा में छपरा में चल जाए गली। हा? जे गली, हा? जे गली से हम जाए बाबू। हाँ बाटे हमार हुसन में जादू है। अरे ऐसे जादू हमने कई देखे हैं,
तुझे अपना जादू दिखाए क्या? चल अबे, ए, चल बैठ जाना। अबे नाक कटाएगा क्या? ए, सुनती हो, ये चॉकलेट बॉय थोड़ा शर्माता है। तू तो गुड़ की डली है, शुरू कर। अरे मेरी गुड़ 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 की डली। कबड्डी से डरबा, अरे बड़ी हमके डरबा। कबड्डी से डरबा, अरे बड़ी हमके डरबा। हमके ना डराब, ए चुन्नी सैयार रे। चोर से डरबा, अंधेरा से भी डरबा। सब कुछ लुट जाने ना आए तैयार रे। फोन की घंटी से भी हमके डरबा। हमके तोहर लॉलीपॉप से भी डरबा। रात के दिन के धक धक से हमरा रे। बुखार चढ़ गइल रे, बुखार चढ़ गइल। 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 अपन मोहब्बत के टैबलेट खिलाई। ओ अपन मोहब्बत के टैबलेट हम खिलाई। तोहरी जवानी के बुखार हम उतारी। ओ रतिया में खटिया चढ़ा के, तोहे कंबल के अंदर घुसा के। तोहर सारा पसीना चुबा के, बोखा तोहर उतार दे अब हम रे। लाल रंग से डरबा, सफेद रंग से डरबा, रे करिया कंबल के भीतर भी डरबा। बैठे में डरबा, खड़ा होके में डरबा, रे थर थर कांपे लीजिया पे डरबा। करवा दुवर बाहर और डरबा, कैसे जवानी बचाए डरबा। कौन पाए हमके आवे ना। बुखार चढ़ गइल रे, बुखार चढ़ गइल। बुखार चढ़ गइल रे, बुखार चढ़ गइल। अमावस के रतिया ए पूरा करब बतिया। ओई माँ रे अमावस के रतिया, पूरा करब बतिया। रे धई के अकबरिया, हम खेलब तो से गुड़िया। चुरा ले हब तोहर गजरा रे, हम तोड़ दे हब तोहर गजरा रे। हमर संग रतिया गुजार ला, अपन सब डर के दिल से उतार द। जाने हुई का हर घड़ी डरबा। आगे देखी डरबा, पीछे देखी ता डरबा। ना जाने के पकड़ ले ही एकर डरबा। तोहर जैसन गबरों के साथ नहीं बा। के हो हमरा हालत के जान न दैया। एही खातिर जवानी जंजाल हो गई। बुखार चढ़ गइल रे, बुखार चढ़ गइल। बुखार चढ़ गइल रे, बुखार चढ़ गइल। छोरी एक गोरी, तनी मान बात मोरी। हम जोश में आईनी तक कर दी हब बर जोरी। हमरा से करू अनकानी, तक गिरा दी हब तोहर सब पानी। बतिया हमार बट साही, बुझना तू देखे कहानी। ओई माँ शुरू करो। हे साला डर के भाग गया। ये तिवारी जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। हमारे पड़ोस के गांव में रहते हैं। बहुत क्या बात है, छोटी सी बात के लिए इतना अच्छा खाना। और जब इनकी बेटी की शादी होगी तो कितना अच्छा खाना होगा। शादी तो अमेरिका में होगी ना, क्योंकि लड़की वहीं पढ़ी लिखी है। किसने कहा तुम लोगों से 15 सालों के बाद इस गांव में वापस इसलिए नहीं आया, बल्कि इस धरती पे जन्म लेने वाले वीर से अपनी बेटी की शादी करा सकूं, इसलिए मैं अपने गांव में वापस आया हूं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इस आजू बाजू के गांव में कोई ऐसा शूरवीर है ही नहीं। अरे क्यों नहीं है, भीम सिंह जी का छोटा भाई है ना, उसमें क्या कमी है। ए, चुप रह, चुप रह, पकड़ा गया का। ए भीम सिंह, मालिक की तो बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। लेकिन मालिक मत बोलो, उसने मेरे दिल की बात कही है। मेरी बेटी को तुम्हारे घर की बहू बनाना चाहता हूँ, तुम्हें मंजूर है ना। मालिक हम तो गरीब, जायदाद वायदाद मेरे लिए कोई माने नहीं रखती। जब तुमने ज्योति मुझे दी तभी तुम मेरी हैसियत के बन चुके थे। सुनो सब लोग, ये भीम सिंह का भाई शंकर ही मेरा दामाद होगा, कल ही सगाई होगी। ये क्या भाई, ये तो इतनी जल्दी मान गया। अमेरिका से आया है ना, बिल्कुल पगला गया है ये। सब जो बुद्धि है ना वही जो छोड़ के आ गया है। क्या कहा तूने कमीना, मेरे बेटे की इतनी बुरी हालत करने वाला वो कमीना भीम सिंह।
चौधरी के साथ संबंध बनाना चाहता है। ये कभी नहीं होगा, उस घर का दामाद मेरा बेटा ही बनेगा। जालिम सिंह, मेरी बात गौर से सुन। भीम सिंह के घर के सामने धमाका होना चाहिए। भीम सिंह का घमंड चूर चूर हो जाना चाहिए। मार डालो, कोई नहीं बचना चाहिए। बोल भाई, उसको ठिकाने लगा दिया। उन नरसिम्हा का जो करना था वो तो हमने कर दिया, यही तो है हमारा कमाल। ए छूटे, बहुत खुश है? अरे खुश काहे नहीं होंगे, सब दुश्मन खत्म। अब इस छोटे के शादी का सब रुकावट खलास। डैडी, दीदी अमेरिका में पढ़ी लिखी है और वो जाहिर है, दीदी की शादी उससे कैसे होगी? पढ़ाई जिंदगी के लिए है, शादी संसार के लिए। अगर इधर रिश्ते मिलाने हैं तो ताकत देखी जाती है, और वो सब कुछ उन दोनों भाइयों में है। उनको देखते ही डर लगने लगता है, वो दोनों गुंडे हैं, हमेशा हाथ में चाकू लेकर घूमते हैं। देखो बेटी, उस उम्र में मैं भी ऐसे हथियार लेकर घूमता था। इधर इंसान को जीने के लिए, अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए हथियार उठाना जरूरी है बेटे। जिंदगी में हर बात तुम्हारी मानी है, पर शादी मेरी मर्जी से होगी। जाकर खाना खा लो। शुभा रेडी, हाँ कल शाम को सगाई की तैयारी हो गई है ना? मालिक सारी तैयारी हो गई। हाँ। मैंने कहा था ना, यहाँ ये देखिए कितनी अच्छी शूटिंग है, बेकार में आपने मेरे दिन बर्बाद कर दिए। सर कम से कम अब तो आप मेरे लिए साइन कर दीजिए। ओ शुभ रेडी। हाँ मालिक। वो लेटर दिया था ना, निकालो जरा। निकालता हूँ मालिक। डैडी लो, अब हो गया अपनी किस्मत पे साइन। मालिक ये लीजिए। लाओ इधर दो। डैडी एक मिनट। क्या बात है बेटी? डैडी मैं ज्वेलर्स के यहाँ जा रही हूँ। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, उन्हें बुला लेंगे, यहीं पे आ जाएंगे वो। शुभ रेडी। हाँ मालिक, उनको फोन करके बुला लूँ क्या? नो डैडी, मैं खुद जाऊंगी। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? प्लीज डैडी, हर बात में जिद मत करो। शुभ रेडी, अरे जाने दो ना उसको। सर जाने दीजिए ना उसको, कितने लोगों को यहाँ बुलाएंगे? आपने कभी खरीदारी की है? अरे लेडीज का मामला है सर, उनकी कितनी सारी दुकानें होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ पता भी है सर? परमिशन दीजिए सर, प्लीज उसे परमिशन दीजिए। अरे तुमने तो करेक्ट बोला। ये बलरान जो भी बोलता है करेक्ट होता है सर। अरे एक मिनट, अब तुम जाओ इसके साथ। सर मेरी बेटी अकेली जा रही है, इसके साथ में जाओ, शॉपिंग करा के आओ। सर मेरा लेटर। अरे लेटर यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है सर, चलिए मैडम चलिए। तुम बाजार में जाकर, अलग अलग दुकानों में जाकर खरीदारी करना, डिजाइनें देखना, और मैं बाहर बैठा बैठा मक्खियां मारता रहूंगा। अपना मुंह बंद रखो और सामने देखकर गाड़ी चलाओ। ये वाला नहीं, वो वाला दिखाइए। क्रेडिट कार्ड తీసుకుంటారా? ఇక్కడ ఉన్నాయి మేడం, ఇది దేఖియే। मैं आज बहुत खुश हूं चाकू, क्यों पता है तुम्हें? क्योंकि विनय जो दीदी से प्यार करता है वो अमेरिका से आने वाला है, फिर वो दोनों अमेरिका चले जाएंगे। शुभ रेडी। हैप्पी मैरी लाइफ। सुनिए भाई साहब, एयरपोर्ट जाएंगे? बैठिए मैडम। हाँ मस्ती चल रही है, मतलब तेज चलाइए ना। Let's go.
पागल हो गया क्या? रोड के बीच में खड़ा है। ए कहाँ जा रही हो? ए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हो? एयरपोर्ट। किस लिए? मैं जिससे प्यार करती हूँ वो वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है। और वो शादी? मुझे वो पसंद नहीं है। वाह बहुत अच्छे, ये बात पिताजी से कह दो, इसके बाद चली आना। चलो सुनो, ये बात किसी से भी कहना मुझे जरूरी नहीं लगता, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे पिताजी ने मुझ पर भरोसा किया है इसीलिए तुमको मेरे साथ भेजा है। तुम अगर ऐसे ही चली गई तो बताओ मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मेरा करियर उनके हाथ में है, वो सिग्नेचर कर दे मैं बीबीसी ज्वाइन कर लूं, फिर तुम्हें जहां जाना हो चली जाना। तुम्हारा मिशन और तुम्हारी लाइफ के बारे में आई डोंट केयर, गेट लॉस्ट। वाह बहुत अच्छे, आई डोंट केयर तुम्हारे और तुम्हारे लवर के बारे में, आई डोंट केयर। अगर तुम इसे वापस नहीं लाते तो आज मेरी इज्जत चली जाती। तुम इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान हो। थैंक यू सर। परसों शादी होने के बाद चले जाना। शहर में बहुत सारे काम रोके हुए हैं सर, मुझे जाना पड़ेगा। मालिक हाँ, हॉल में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ आता हूँ, तुम्हारा हमेशा भलाई होगा। हाय बाय विद्या। आज के शुभ दिन में चौधरी साहब की बेटी और भीम सिंह के छोटे भाई शंकर सिंह के साथ शादी तय होती है। चौधरी साहब और भीम सिंह एक दूसरे को शगुन दे सकते हैं। कोई भी जाकर दुल्हन को शगुन की साड़ी पहना लाइए। जल्दी से साड़ी बदल कराओ बेटी। चलो हटो पीछे हटो, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। अरे देखो देखो, संता ने अपने हाथ की नस काट ली। अरे कोई इसे बचाओ। जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलो, जल्दी करो, जल्दी करो, गाड़ी जल्दी चलाओ बलराम। मुझे नहीं पता क्या हुआ, दरवाजा नहीं खुला, अंदर देखा तो बेबी ने नस काट लिया था। मुझे बहुत डर लग रहा है बलराम, बहुत डर लग रहा है। मालिक आ गए, बेटी का बेबी उधर है। मालिक डॉक्टर। नमस्कार सर, घबराने की कोई बात नहीं, खून ज्यादा बहने से वो बेहोश हो गई है, लेकिन अब खतरे की कोई बात नहीं, डोंट वरी। मालिक लगता है आपकी बेटी को शादी पसंद नहीं है, इसीलिए आत्महत्या करना चाहती है, इस शादी को भूल जाते हैं।
आपकी बेटी खुश रहे, आप खुश रहे मालिक। मैं जो फैसला करता हूँ उस फैसलों को मैं कभी नहीं बदलता। थालियां बदलते ही मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बन गई, इसके बाद फैसला तुम्हारा है। तो ठीक है मालिक, आज से आपकी बेटी को मंडप तक लाकर हमारे भाई के हाथ से मंगलसूत्र पहनाने की जिम्मेदारी हमारी। आप निश्चिंत रहिए मालिक। ए डॉक्टर, संध्या हमारे घर की बहू है, अगर उसको कुछ हुआ ना तब संध्या को कुछ नहीं होगा, मैं हरदम यहीं रहूंगा और उसका इलाज करूंगा। गो। जयराम जी की मालिक। तो तुम खुश हो ना? तुम्हें जो साइन चाहिए था वो मिल गया ना? अब तुम अपने समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए बीबी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तुम क्या सोचते हो, तुमने मेरी बहन की जिंदगी बचा ली है? आज वो बच गई, लेकिन शादी से पहले मर सकती है, शादी के बाद मर सकती है, पर मेरी दीदी का मरना निश्चित है। उसकी मौत को कोई नहीं रोक सकता। वो विनय से इतना प्यार करती है ये सिर्फ मुझे ही पता है। तुमने जो चार दिन यहाँ रहकर जो मेरी हेल्प की, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक्स। ए क्या रे, ये यहाँ पर क्या करने आया? ये बनारसी साड़ी में बिल्कुल नया डिजाइन है। ए बराबर पल्लू दिखा, नहीं तो दूसरी साड़ी दिखा। ये ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है। कारे बलराम, तू यहाँ कैसे आया? सही समय पर आया है। ये देख, इस साड़ी हमारी बहू पर कैसन लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी। अरे तुम्हें तो प्यार वार पर विश्वास नहीं है ना, तो साड़ी के बारे में क्या पता होगा? पहली बार भीम सिंह के घर पर आए हो, क्या लोगे? संध्या तुम्हारे भाई से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने सुसाइड की कोशिश की है। पता है, कौन ऐसा बात बताओ जो हमको पता नहीं। ए, सामने से हट। ये शादी हुई तो संध्या मर जाएगी। का कहते हो? ए दीदी, संध्या मर जाएगी? ए छोटे, तेरी होने वाली बीबी मर जाएगी रे? कुछ सोचते हैं, एक बार शादी हो जाने दे, हमरे घर पे आ जाने दे, अब उसके बाद अगर वो मरना चाहे तो मर जाए। शादी के लिए हमने कितना प्लान किया तुमको पता है का? उधर देख, बिरयानी की तैयारी हो रही है और इधर पहली धार की दारू, दारू पी और चिकन बिरयानी खा। हाँ। ये शराब और बिरयानी अपने चमचों को खिला, मैं यहाँ इस शादी को रोकने के लिए आया हूँ, इज्जत से मान ले। तू समझता क्या है रे? तेरे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी, समझ गया? बहना, रुको बहना। देख बलराम, तूने अपनी औकात से बहुत ज्यादा बोल दिया। अपने चारों ओर देख, अगर हमने अपने आदमियों को बोल दिया ना तो तेरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। चल जा, जा, चल जा। ए, हथियार दिखाकर डराने की कोशिश मत कर, मैं इनसे नहीं डरता। अब मेरी बात सुन, मैंने कह दिया ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, चलता हूँ। तुमको पता नहीं का रहे कि तू भीम सिंह के दरवाजे पे खड़ा होकर बात कर रहा है? भीम सिंह से पंगा मोल लेने वाला इस धरती पे नहीं बसता, उसका गर्दन उड़ा देता है भीम सिंह। क्या भीम सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह कर रहा है? तू कोई आसमान से टपका है? तोप है तू कोई? तेरे कोई पांच पांच हाथ है क्या? पता मैं कौन हूँ? बलराम, गरम गरम आग उगलता हूँ, ज्वालामुखी हूँ मैं, अगर किसी ने छू लिया तो जलकर राख हो जाएगा। hey! तेरे को पता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है? ए, साथ में 50 गुंडे लेकर घूमता है और बहादुरी की बात करता है? अरे चाकू और तलवार में ताकत नहीं होती, इसे इसे कहते हैं मर्दानगी, जिसकी बलराम के पास कोई कमी नहीं है। मैं बार बार तुमसे एक ही बात कह रहा हूँ कि ये शादी नहीं होगी। शादी तो हमारा भाई ही करेगा। ये जिंदा रहेगा तब करेगा ना? Oh!
छोटे मार्डर सिंह बच के न जाने पाए। हे औरत हो इसलिए माफ किया। भीम सिंह से पंगा मोल लेने वाला इस धरती पे जिंदा नहीं रहता है। तेरे को बोला था ना कि गर्दन काट देता है भीम सिंह। ए जिंदा जमीन में गाड़ दो इसको। Thank you.
तुमने कहा था कि अपने काम के लिए मैं तुम्हारी बहन के प्यार को छीन रहा हूं, मैं अब भी कहता हूं काम जरूरी है, पर वो काम बीबीसी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बहन के प्यार के लिए है। ये देखो, ये रहा सबूत। मंगलसूत्र कैसा है? संध्या के लिए मंगलसूत्र है पर चौधरी साहब के लिए फांसी का फंदा। किसकी गाड़ी फिर है भाई? उधर देखो छोटा। छोटू, तो बलराम जिंदा है, हमारे सारे आदमियों को मारकर संध्या मैम साहब को लेकर चला गया। तू क्या कर रहा है? वो हमारे घर की बहू को ले गया और तू ये छक्कों की तरह बता दे रहा है? बोल, बोल तुम्हीं ने? तुम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी थी, बोल तो क्यों नहीं? पूरी इज्जत कितने में मिला दी? तू क्या कर रहा है? तूने भी चूड़ियां पहन रखी थी क्या? हराम खोरो, बोल, देख, देख उसे क्या हालत कर दी। अभी वो गांव की सीमा से बाहर नहीं गया होगा भाई। टैंक फुल कर दो। ठीक है सर। 2500 सर। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? क्या भाई? अरे वहाँ नरसिम्हा के आदमियों ने अटैक कर दिया है। भाई कैसा है? भाई अच्छा है, मुझे मेम साहब को संभाल कर शादी के मंडप में ले जाने के लिए कहा है। पर शादी तो 19 तारीख को है ना? अरे पागल है क्या, इसकी शादी तो पहले ही हो चुकी है। अच्छा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? जा वहाँ भाई तेरा इंतजार कर रहा है। भाई तुम संभाल कर जाना है। ए, भाई से कहना मेम साहब सही सलामत है। बोल दूंगा। ए, जल्दी करो रे। अरे भाई के पास चलना है, जल्दी करो। चलो हम चलते हैं भाई। मेरी शादी करवाना चाहता है? जिंदा रहूंगी तब ना मैडम। सर सर, आपकी गाड़ी लेकर वो लड़की भाग रही है। संध्या, संध्या, मालिकू क्या लगता है आपका? ये हक तुझे पूछने का नहीं है। तुमने मेरी बेटी की जिम्मेदारी ली थी पर वो अकेला तुम्हारे सभी साथियों को मारकर उसे लेकर चला गया। मुझे पता होता कि तुम लोग इतने कमजोर हो तो मैं कभी तुम पर भरोसा नहीं करता। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन मेरी हड्डियों में अभी भी दम है। मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा और तुम देखना कैसे लाऊंगा। याद है आपने क्या कहा था?
कि जिस दिन शादी का मुहूर्त निकल जाएगा उसी दिन से आपकी बेटी हमारे खानदान की बहू बन जाएगी। चौधरी साहब, जो भी आपकी बेटी को लेकर के गया है, हम उसका सर काट कर उसके खून से अपने भाई का अभिषेक करके शादी करवाऊंगा। आप अपनी बेटी के शादी का मुहूर्त निकलवाइए और उसी दिन हमारे भाई से उसकी शादी होगी। ये भीम सिंह जो है ना, इस भूमि पर हाथ रखकर वचन देता है। क्या हुआ? जस्ट मिनट प्लीज। हेलो हेलो विनय। संध्या तुम कहाँ हो? हेलो, मैं इधर तुम्हारा एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा हूँ। तुमने घर पर भी फोन करने से मना कर दिया है। वो मैं बाद में बताऊंगी। तुम सबसे पहले दिल्ली मुंबई जहाँ का भी टिकट मिले बुक करवाओ, जल्दी करना। हेलो संध्या, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ लगेज रूम के पास मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेफ्ट लगेज रूम के पास वेट कर रहा हूँ। लेफ्ट लगेज रूम। संध्या संभल के आना। ओके ओके विनय बाय। पैसे नहीं है, प्लीज इसे रख लीजिए। ऑटो ऑटो, मुझे एयरपोर्ट जाना है, चलो। दिसंबर के बाद आज एयरपोर्ट में फिर एक धमाका हुआ। आपको क्या लगता है इसके पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है? 15 दिसंबर के बाद हर बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, आप लोग कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? इस शहर में 25,000 पुलिस डे नाइट ड्यूटी कर रही है, हम लोग किस किस के ऊपर नजर रखेंगे? एक नॉर्मल बस में अगर मानव बम फूट जाए तो हम क्या कर सकते हैं? आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? एयरपोर्ट और आसपास के इलाके में 5 किलोमीटर में हमने कर्फ्यू लगा दिया है। आपको क्या लगता है कितने लोग मरे हैं? पूरे 10 लोग मरे हैं, 2 पुलिस वाले, 4 फॉरनर, बाकी हमारे हैदराबाद शहर के ही लोग हैं। लोगों की जान बचाना हमारा फर्ज है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप लोग शांति बनाए रखिए। देखिए हम अभी बात नहीं कर सकते, आप जाइए यहां से। देखिए हम अभी बात नहीं कर पाएंगे, आप जाइए प्लीज, जाइए आप यहां से। देखिए लगेज रूम के पास ही ब्लास्टिंग हुई है, आप वहां नहीं जा सकती, इन्वेस्टिगेशन चालू है। आप प्लीज पीछे हटिए, पीछे हटिए, आप सब पीछे हटिए, आप लोग प्लीज 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 पीछे हटिए, हटिए हटिए, हमें अपना काम करने दीजिए, प्लीज पीछे हटिए। अरे गो बैक गो बैक गो बैक, प्लीज प्लीज जाइए, आप पीछे जाइए, पीछे जाइए। देख लिया ना तुमने, हो गई तमन्ना पूरी, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें इसलिए लेकर आया ताकि तुम्हारी शादी शंकर के साथ नहीं बल्कि तुम्हारी प्रेमी के साथ हो। अब अगर तुम चाहो तब भी ये नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? जहाँ पर वो मेरा इंतजार कर रहा था वहीं पर ब्लास्ट हुआ है, अब वो नहीं रहा। He is dead. Are you happy now? तुमने उसे मरते हुए देखा? चलो हटिए आप लोग, हटिए आप, रुके रुके, देखो हमें डेड बॉडीज देखनी है। कौन है आप लोग? क्या ये इधर देखो, इसको देख लो, ये क्या? नहीं इसको देखो, अरे अरे इन्हें बाहर लेकर जाओ, इन्हें बाहर ले जाओ, अरे चलो भाई इन्हें बाहर लेकर जाओ, बोला ना बाहर लेकर जाओ, चलो जल्दी। हे भगवान, ये कैसे हो गया?
लीजिए। नहीं जी, वो मेरा बैग है। अच्छा, ए रुको, वहाँ बम फटा है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ सर, पर मैंने संध्या को यहीं पर बुलाया। यहाँ बम विस्फोट हुआ है, इसलिए सबको यहाँ आने से मना कर दिया है। चलो जाओ, जाओ यहाँ से, चलो चलो जाओ। चलो मेरे साथ चलो, अब बैठ के रो क्यों रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ए, भैंस छोड़ो, ये बताओ उसका कोई पता ठिकाना है? नहीं। कोई जान पहचान वाला या यार दोस्त उसका? नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर तो है ना? उसका फोन नंबर है। फोन नंबर है, जैसे कोई बड़ा तीर मार लिया। अबे ये कौन आ गया सामने? क्या हुआ भाई? जू गली जाओगे? जू गली जाऊंगा ना, अरे पैसे मिलेंगे तो हर गली जाऊंगा ना भाई। ठीक है चलो। ₹500 जल्दी निकालो जल्दी। अरे अरे, एयरपोर्ट के पास बम ब्लास्ट हुआ था, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे ये मार कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ यार। संध्या मिली क्या? नहीं यार, एयरपोर्ट पे पहुंचकर मैंने उसको फोन किया था, अब तो वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो तुझसे कॉन्टेक्ट कैसे करेगी? उसके पास मेरा मोबाइल नंबर है। ओ हा? क्या हुआ? लगता है मेरा मोबाइल वहीं गिर गया। गाना है जूम बराबर जूम बराबर। तुम गया तो जाने दे, दूसरा सिम कार्ड ले लेंगे। अरे यार वो तो इंटरनेशनल कार्ड है, उस कार्ड को लेने के लिए पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी, लंबा प्रोसेस है। उसके पास सिर्फ वही मोबाइल नंबर था, पता नहीं मुझे संध्या कैसे कांटेक्ट करवाएगी। ए, चल रहे कहाँ जा रहे? आईडी कार्ड दिखाइए। तेरे को हमसे आई कार्ड चाहिए? चल हट। आज हम लोग लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, भरतनाट्यम के मास्टर श्री शंभुनाथ जी से हमारी एक खास मुलाकात। शंभुनाथ जी, भरतनाट्यम में आपने इतना नाम और शोहरत कमाया किस लिए? भरतनाट्यम तो मेरी जान है, वो एक समुद्र की तरह है, उसमें इतनी गहराई है, यूँ समझ लो उसमें मेरे प्राण है। प्राण निकल जाएंगे। ए, क्या चाहिए तुमको? यहाँ क्या कर रहे हो? यू वॉन्ट मी? बलराम कहाँ है? नहीं वो तो यहाँ नहीं है। लड़कियों अपना अपना सोना निकाल के इसे दे दो, सोना मुख्य नहीं है, नृत्य मुख्य है। सुनिए सुनिए, आप इधर आइए। बलराम कहाँ है? उसके बारे में मैं बताता हूँ, यहाँ बड़बड़ मत करो, नाट्यम क्लास का सीधा प्रसारण हो रहा है। कहाँ बोल रहा है? अच्छा, सीधा प्रसारण हो रहा है, ऐसा कहाँ? बलराम तू हमरे यहाँ से भाग के इधर तो आ गया, लेकिन अब भीम सिंह के गिरफ्त से नहीं बच सकता। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता, आज मैं तुझे काट लूंगा। अरे अरे छोड़ो, रिसेप्शन के दिन तो मैं अपनी बीवी के साथ होना चाहिए था, ये हाथों में हथियार क्यों है? संप्रदाय की बात कर रहे हो? एक तो मेरी शादी नहीं हो पा रही है, आज मैं इसे काट लूंगा। आखिर क्या हुआ बता तो सही। एक तो मेरा दिल जल रहा है और पंडित बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। पता है खाना भैया, रात का खाना। तो शादी के बाद खाना खाएंगे? हाय वो नहीं भैया, भाग रात। रिसेप्शन के बाद ये सब होता है। हाँ ये पंडित के बीच चपंगा कर रहा है। रुक 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 रुक, मैं देखता हूँ। पंडित जी क्या हुआ? क्या है भाई, इसकी जो जन्म कुंडली है ना, ये कुंडली क्या है रे? एक्चुअली इसके ग्रह मिल नहीं रहे हैं, इसका राहु और इसका केतु इसके पक्ष में नहीं है। अगर ये सुहाग रात मनाने की कोशिश करेगा तो इसकी जान को खतरा है। ये क्या मुसीबत है रे? ये पंचांग और मुहूर्त को मैं नहीं मानता, तू जा रहे। देखो तुम अगर शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलोगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत स्लो चलेगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी बात मान लो, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। तू होता कौन है? अरे आप इसे समझाओ ना। अरे देख समझा कर यार। ए, इतने साल रुका, एक साल और नहीं रुक सकता? मगर मैं कब तक रुकूंगा यार? क्या करेगा, इसे पकड़ और देखता रहे चुपचाप। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे चौधरी साहब की बेटी को भगा कर ले आया। तेरे को क्या रे? मुझे पता है वही है। बोलूंगा तो डर जाएगा। मुझे क्यों बता रहा है कि चौधरी साहब की बेटी है? हाँ बच्चे, चौधरी की बेटी है। चलो संध्या। मेरा दोस्त बहुत मजाक करता है, इसकी बचपन से यही आदत है। तू क्यों हंस रहा है बे? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं।
रुक अभी, रुक, तुझे काट डालूंगा मैं, रुक। क्यों बताया कि मैं चौधरी साहब की बेटी हूँ? अब जब तुम चौधरी की बेटी हो तो चौधरी साहब की बेटी बोलूंगा ना, और किसी की बोल दूं क्या? ज्यादा बात ही मत करो। ठीक है ठीक है ठीक है, सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, खा लो। मुझे भूख नहीं है। मत खाओ। नहीं खाना। अरे मत खाओ ना। लेकिन कुछ पीना है। नखरे देखो इसके, जरा दिमाग खराब करके रख दिया। क्या लड़की है, लाओ जाओ, ये पीना है तुम्हें? ठीक है तो मत पियो, मैं पीऊंगा। इतना बचा है, पियोगी? बल्ले बल्ले दिलदारो, तू है मेरा राजा, मैं हूँ तेरी हीरे वे, बल्ले बल्ले दिलदारो। रंग मर सीने च नागन बन के, तू मर गए मर गए हीरिए सोनिए 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 सोनिए। चारों मस्ती मारो सोने दिलदारो, बल्ले बल्ले दिलदारो। तुन्ना तुन्ना तातक तुन्ना, ठक-ठक की आवाज नहीं है मेरी जान, ये मेरे दिल के अंदर की ठक-ठक हो रही है। अब मुझसे इंतजार नहीं होता। कमल कमल कमल, क्या कर रहे हो? देखो ना बाहर कोई है। कौन है? सुनो ना, तू डर मत, मैं अभी आता हूँ। कौन है? दरवाजा तोड़कर आप लोग अंदर घुसा है, आप लोग कौन है गुरुजी? वो सब हम बाद में बताएंगे। तू बताइए कहाँ छुपा है ये? आपको कहाँ से मिला? ये तो जापान में रहता है। भाई ये कहीं भी रहे हमेशा नहीं छोड़ेंगे। ए गाड़ी निकालो, हम जापान जाएंगे। सुनो, उसको तुम लोगों ने जापान में छुआ ना तो तुम लोगों को वो हवा में उड़ा उड़ा के मारेगा।
अब इसके बारे में पूछ रहा हूँ, इसके। बाप रे, ये तो उससे भी खतरनाक है भाई। अगर तुम लोगों ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा, पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख देगा, समझे क्या? वो बलराम भाई एंड कंपनी है। हम उसका गर्दन काट दूंगा। नाना, उसे क्यों काटना चाहते हो? क्योंकि ये चौधरी साहब की बेटी को भगा ले गया है। चौधरी साहब की बेटी को? यू आर फ्रॉम कर्नूल? सर, वो बहुत अच्छा इंसान है सर। रात में उसने मुझसे बोला, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं गधा हूँ। गधा हूँ, एक नंबर का गधा हूँ सर। 35 साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ सर। फुल प्रिपेयर हो गया था सर। मेरी एक ख्वाहिश आप ही पूरी कर सकते हैं सर। एक रिक्वेस्ट है सर, मेरे को हाफ पहना और टाइम दे दीजिए सर। अच्छा सर, सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे दीजिए सर। काट सालूंगा। फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गो। पता नहीं कहां चली गई। सभी जगह देख लिया पर वो कहीं नहीं मिली। अरे देखो, यही कहीं होगी। तुम्हें देखी क्या? यहाँ पर भी नहीं है। अब कहाँ ढूंढो इसको? विनय को फोन लगा के देखो। तेरी ऐसी की तैसी, चलना भाई इधर से। चल। मुझे क्यों मारा? ये नया फोन आपने कभी खरीदा? ये कहाँ से आया? अरे मैंने खरीदा नहीं, कोई शराबी भूल गया होगा। अरे घंटी बज रही है। हेलो। हेलो विनय। मैं विनय नहीं, बाली हूँ। चोर बाजार से बाली बोल रहा हूँ। चोर बाजार से बाली? चोर बाजार, नल बाजार, भिंडी बाजार, किधर भी पूछ, अपुन को सब पहचानते हैं। बाली, तुम्हारे पास ये फोन कैसे आया? अपुन के पास तो 35 फोन रोज आते जाते रहते हैं। तू पूछने वाला कौन होता है? चुपचाप फोन रख, रॉन्ग नंबर पे फोन करता है। क्या हुआ बलराम? गलत आदमी के हाथ फोन लग गया है। कहीं संध्या विनय समझ कर उसके पास तो नहीं चली गयी? तुम हाईवे की तरफ जाओ, तुम लकड़ा बाजार की तरफ। ठीक है सीमा, तुम यहीं पर रुकना। लो रख लो। ए बेटा। हाँ भाई। यहाँ लोकल बाली कहाँ रहता है? हेलो। हेलो बाली भाई, फिर से तेरी हिम्मत हो गई फोन करने की? देखो भाई, तुम्हारा बहुत नाम है, प्यार से मांग रहा हूँ, फोन वापस दे दो। चले, सामने आएगा तो कलेजा बाहर निकाल के रख दूंगा, तू मेरे को जानता नहीं। भाई गुस्सा मत करो, मेरी थोड़ी सी बात तो सुनो भाई। ए, सामने आया तो चीर के रख दूंगा। यो भीड़ो, तू अपने आप को क्या कल्लू बिल्लू दादा समझने लायक क्या? अपन फोन बंद करता है। अपने आपको बहुत बड़ा दादा समझता है? करे मुझसे पंगा लिया? तू तो गया काम से, समझ ले। क्या समझता था रे तू? रामपुरी दिखाएगा तो मैं यहाँ से डर कर भाग जाऊंगा। डरपोक समझता मुझे? तुम सब बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर देना। भाई अपन से गलती हो गई, अपन किधर का भी दादा नहीं है, अपन को माफ कर दो। चल फोन निकाल। माँ कसम खाता हूँ भाई, बिना कौन है मुझे नहीं पता। मैं मामूली सा टैक्सी ड्राइवर हूँ, बस थोड़ी सी गुंडागर्दी बिल्डअप की थी। साले तेरे को इतना बिल्डअप क्यों चाहिए रे? अरे नहीं, भाई बता फोन कहाँ मिला? वो टैक्सी के अंदर फोन पड़ा हुआ मिला था भाई, मैंने कोई फोन की चोरी नहीं की, मुझे माफ कर दो भाई। भाई आपने वो हाथ से बोतल कैसे तोड़ी? बोतल? हाँ पकड़। हाँ ऐसे ला। अब देख। क्या पावर है भाई, पावर ही पावर है। भाई इधर ही किधर होगा भाई, पकड़ लो भाई, भाई जल्दी करो भाई, मुझे जाना है भाई। चल हटे। इधर ही कहीं होगा, ढूंढो उसको, ढूंढो। संध्या के बारे में कुछ पता चला? नहीं, लेकिन मीन सिंह यहाँ आ गया है, तोड़फोड़ कर रहा है और संध्या के बारे में पूछ रहा है। कहाँ छुपा रे? कहाँ है? तुम डरो मत, वहाँ से निकल जाओ। ओके भाई, सारी जगह देख लिया, बलराम और लड़की है ना, ये लगता चले गए। छोड़ूंगा नहीं, कहाँ जाएगा हमसे बच के? हेलो 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 विनय। मैं विनय नहीं, बलराम बोल रहा हूँ। बलराम, विनय कहाँ है? संध्या पहले ये बताओ कि तुम कहाँ पर हो। ये जानकर क्या करोगे?
पहले बताओ विनय कहाँ पर है? संध्या, उसका फोन तुम्हारे पास कैसे है? संध्या, तुमने चीटिंग की ना? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है भाई। संध्या, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। आज कल कहाँ जाएगी रे तू? संध्या, हेलो, ए कौन हो तुम? मैं पेशियो का ऑनर बोल रहा हूँ। वहाँ पर लड़की फोन कर रही थी, उसका क्या हुआ? वो लड़की भाग रही है, उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं सर। कौन सा एरिया? आरटीओ रोड सर। आरटीओ रोड पर होम मिनिस्टर श्री रामचंद्र पर अटैक होने वाला है। हमला करने वाले ब्लैक स्कॉर्पियो में है। होम मिनिस्टर के ऊपर अटैक? आप कौन बोल रहे हैं? प्रेस। प्रेस? सर, मैंने उसे पकड़ लिया सर। हमने बात सुन, अपने पुलिस वाले को समझा, ले बात कर। यस सर, यहाँ बहुत गड़बड़ है, हम लोग क्या करें सर? तुम लोग जाओ यहाँ से, किसी ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, जिन चीज को जाने दो। बताओ सर, हम क्या करें सर? हमारे लिए क्या की तरह लड़की चला गया, मुझे भी यही छोड़ के चला गया, तुम लोगों के हाथ नहीं आएगा भाई। वो तो फिर अपने हाथ से निकल गया। अरे निकलने दे रे, वहाँ पहुंचकर मुझे रिपोर्ट करना। वो जितनी दूर जाएगा मौत उतनी करीब होगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? बिना बोले यहाँ से चली गई। कितना टेंशन हुआ पता भी है तुम्हें? तेरे ऐसी की तैसी। अच्छा हुआ भाई ने दिमाग लगा के तुम्हें नया जन्म दिया, वरना तुम्हारी तो आज तय हो जाती, समझ गई ना? विनय का फोन देखना, उसमें उसके दोस्त का कोई नंबर या मैसेज होगा। फोन नंबर वगैरह सब डिलीट हो गया है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये तूने क्या किया बेवकूफ कहीं के? अरे भाई, ये तो फॉरेन का फोन लगता है, इसमें तो सेक्सी बात करने में बड़ा मजा आएगा। ए भाई, ये फोन तुम मुझे दे दो ना। नहीं का फोन ए, बाले हूँ मैं, लोकल गुंडा, हाथ नहीं लगाना। रुक, मैं बात करता हूँ। उससे कांटेक्ट का एक ही जरिया था, पता नहीं विनय कहाँ होगा। रूल्स के मुताबिक कंप्लेंट की एफआईआर कॉपी देनी ही चाहिए। माय फुट, क्या रूल्स की बातें कर रहे हो तुम? हैं, बोलते हो अमेरिका से आओ लेकिन फोन नहीं कर सकते हो, रईसों की तरह बात करता है, भिखारी कहीं का। कौन भिखारी है? अरे एक फोन कैसा फोन कर सकता हूँ मैं? देखो मेरे पास कितने पैसे हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अरे उस फोन के बारे में तुम्हें क्या पता, वो मेरी जिंदगी है, जिंदगी। देखो अभी भी रिंगटोन बज रहा है। हेलो, हेलो विनय, विनय, माय हार्ट बीट, विनय, विनय, आई एम श्योर इट इज विनय। मैं कंप्लेंट की कॉपी नहीं दूंगा, तुझे जो करना कर ले जा। 3322267, ये कहाँ का नंबर? भाई ये तो पुलिस स्टेशन का नंबर है, यहाँ से दो गली छोड़ के पड़ता है। तुझे कैसे पता? वो क्या है ना भाई कि अपन का ज्यादा वक्त उधर ही गुजरता है। हाँ, शी इज गोइंग। ए संध्या, क्या बिल के पैसे, कितने पैसे हुए? 50। सेल फोन पे आवाज सुनी इसलिए तुम यहाँ आ गई। ए, ये पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस नहीं, निकल यहाँ से। ए, इसे बाहर भेज। हाँ चलो बाहर चलो। प्लीज सर, आप चेक करिए ना, उसने कोई नंबर या एड्रेस छोड़ा होगा। देखो मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा पागल हूँ, वैसे भी तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो। मेरा दिमाग पलटे इससे पहले चली जाओ। ए, पुलिस की वर्दी पहनकर ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर। Who go never? पब्लिक, पब्लिक से कैसे बात करते हैं पहले ये सीख ले। पुलिस को समस्या सुलझाने के लिए रखा गया है, बढ़ाने के लिए नहीं। चल संध्या,
इज्जत से, इज्जत से बात कर। संध्या, अभी तक जो हुआ उसके बारे में नहीं सोचना है, बल्कि जो होने वाला है उसके बारे में सोचना है। विनय को यह बताना है कि यह फोन हमारे पास है, ठीक है ना? अब मैं क्या करूं? सुनो संध्या, विनय तुम्हें किसी और नाम से बुलाता था? जैसे लवर्स एक दूसरे को बुलाया करते हैं, जुम्मा चुम्मा जैसा कोई नाम, उसने भी तुम्हें कोई नाम दिया था? हनी। हनी, विनय सुबह तक तुम्हें किसी भी हालत में फोन करेगा। अरे भाई का बॉडी नहीं, माइंड भी पावरफुल है। क्या हुआ? तुमने पेपर में हम दोनों की ऐड दी थी तलाश। टीवी पर फोटो हम दोनों का नजर आ रहा है। अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे। तुम अपनी बकवास बंद करोगी? सीमा से बाहर ले जाओ। It's all because of you। चलो संध्या। हाँ बेटी जी, क्या की क्या असम से पहली बार। ये सब कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? हमें इस नंबर पे फोन कीजिए। ये सब तुम लोग कहाँ दिखा रहे हो? तो पूरे स्टेट में फेमस हो गए। इनका नाम है बलराम और संध्या। इनका कहीं पर भी हो, किसी भी कोना में हो, देखना कैसे बाहर लाता हूँ। ओह क्या टेंशन है, वो इनको मिलने वाला नहीं है, और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं है। ओके ओके, 5 मिनट का ब्रेक। यही सही मौका है, अब तो मैं बच जाऊंगा। चुम्बा 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 हेलो भाई, अभी जो टीवी में फोटो देखा है वो लोग सिटी मॉल के पास घूम रहे हैं भाई। ये लोग यहाँ पर कुछ शॉपिंग कर रहे हैं भाई। ए, गाड़ी निकाले। ए, 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 चुप बैठ। हाँ वो संध्या और बलराम दोनों। ए, चल कहाँ रहे हो? तुम कहाँ कह रहे हो? सही कह रहा है। ए, गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। कमिश्नर के पास चल रहा है। क्या कर रहा है? मरना है क्या? मारना है, उतरू कहाँ भाई? क्यों फटक में टाइम वेस्ट करो? अरे चुप रह, चुप रह, जल्दी चल। उन लोगों ने अपने आप को कोर्ट के हवाले कर दिया। ए चुप रह, आप कोर्ट पहुंच जाइए सर। कहा कोर्ट के हवाले कर दिया? हाँ सर, हाँ सर, आप जल्दी पहुंचिए। कोर्ट में चल, कोर्ट में चल। हमसे डर करके वो अपने आप को कोर्ट के हवाले कर दिया, अपनी जान बचाने के लिए कोर्ट में गया। अरे हट, हट। क्या बात करते हैं, जानते हो? हट पीछे, हट, हट। ए चुप रह। चल गाड़ी रोक रहे हैं। हेलो। हेलो भाई, बलराम और संध्या नासिक में है, आप जल्दी आ जाइए। नासिक? ए गाड़ी स्टार्ट कर, नासिक चल रहा है। ए रुक रुक रुक, ये क्या हो रहा है? एक ही आदमी नासिक में भी है, फिर वही आदमी कोर्ट में भी है, और वही आदमी पुणे में भी है, और वही आदमी अपने आप को कमिश्नर के हवाले कर दिया। एक आदमी इतनी जगह कैसे हो सकता? अरे वो इंसान की भगवान की डिलीवरी। कौन बोल रहा है? बलराम नाम है मेरा। हेलो, कौन है रे भाई? आपका फोन कौन है? उसी भगवान का है। हाय भीम सिंह, सिटी कैसी लगी? घूम घूम के थक गए होगे ना? अरे सिटी में आए हुए अभी तुमको 5 घंटे भी नहीं हुए और अभी से घबरा गए? अरे अभी तो तुम्हारे पास ऐसे न जाने कितने फोन आएंगे। तू चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन तू मेरा एक बाल भी नहीं पकड़ सकता, क्या समझा? तू मुझे जानता नहीं है। बलराम नाम है मेरा। सुपर भाई, क्या दिमाग लगाया है, आगे देख और क्या क्या होता है। भाई तुम सुपर हो भाई, एकदम सुपर हो भाई। हाँ जैसा बोला उसको फोन करके कंफ्यूज कर दिया। हाँ। हर 2-3 मिनट में उसको एक फोन आता रहेगा। अपना प्लान तो वर्कआउट हो गया भाई। नेहा ये
क्यों सर बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो, वापस चलो सर, वापस चलो। हेलो सर, बलराम और उसके दोस्त हमारे टी स्टॉल में आए हुए हैं। आप जहाँ भी हो जल्दी आ जाइए यहाँ। कथा समझता है कहाँ? पागल है क्या? फिर से पूरी सिटी घुमाना चाहता है? फलवर तोड़ देता हूँ। जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे। यार अपना आया है, बाजू हट जाओ, दिल में जोश लाया है, चल रास्ता दे, दम है बाजुओं में, आंखों में शोला है, सबको धूल चटा दे, ऐसा एक खिलाड़ी। आया 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 बलराम, सबके दिल पे देखो छाया छाया, बलराम बलराम बलराम। कुछ भी करे, जो भी दिल ये कहे, हम तो वो करे, दिल वालों का दिल वाला मैं हूँ बलराम। सारी दुनिया अपने नाम को करती है सलाम। वादा किया वादा मत तोड़ना, कभी भी किसी के भरोसे को मत तोड़ना, कभी भी किसी से खुद पंगा नहीं छेड़ना, रास्ता जो रोके फिर उसको मत छोड़ना। जो भी चाहे कर लो, ना दिल शेर बनती, ना सब पीतल सोना नहीं बनता, कभी छोड़े 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 मैदा कभी ना छोड़े, ऐसा अपना यार बलराम बलराम बलराम। निकली अपने यारों की टोली, सारी दुनिया संग अपने होली, जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे। कभी किसी बात का घमंड मत करना, किसमें है छुपा क्या ये तो जाने बस खुदा, चिर के सीना निकलती है पानी की धारा, करता जो मेहनत हो तो कभी न हारा, दिल में जोश हो तो हर मुश्किलें हैं आसान, आम आदमी भी कर सकता है करिश्मा, जो भी ठानता है वो करके दिखाता है, ऐसा अपना यार बलराम। बच गया रे बाबा बच गया रे, अब तो ले लूंगा रात का मजा। छोड़ो ना, नहीं नहीं छोड़ो ना, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए अभी, छोड़ो ना, नहीं नहीं छोड़ो ना, हाँ कर रहे हो, नहीं ये धन्नो नहीं। वाह, मैंने तुझे क्या समझा था और तू इससे इश्क लगा रही है। मैंने तुझे अपने सपनों की रानी समझा, अपने दिल की मलिका समझा, तुझे अपनी मधुबाला समझा, लेकिन तूने सब पर पानी फेर दिया। ए, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे? तू ज्यादा बोल मत। देख ये अपनी चोटी को देख, तू ब्राह्मण है इसीलिए ऐसे रखा है ना। लेकिन तूने ब्राह्मण की नाक कटा दी, नाक कटा दी, नाक कटा दी। मैं अपनी बीवी को एक रात क्या छोड़ा, तूने उस रात का फायदा उठाकर मेरे घर में डेरा ही जमा लिया। एक रात से नहीं, तीन रात से हूँ। तीन रात से तुम लोग दोनों एक साथ हो, जैसे फल का जूस निकालने के बाद जूस का फल बनता है क्या, वैसी मेरी हालत हो गई है। खुश रहो, चलता हूँ। मेरी एक बात सुन लो, जो बच्चा होगा उसको तुम लोग मेरा नाम मत देना। कन्हैया प्लीज, तीन रात से तू इसके साथ है फिर भी मुझे कन्हैया क्यों बुला रही है? ए, तूने मुझे अलग कर दिया, इस टावल की तरह अलग कर दिया, क्यों? अभी इस कन्हैया से तुम्हारा क्या रिश्ता है? आप इस पर शक मत कीजिए। आप कौन है बहन? मेरी बीवी। दूसरी? पहली। फिर ये तीन रातों से? पिछले तीन रातों से तुम गुंडों के साथ थे, इसलिए बहुत डर गई थी, इसलिए इसने हम दोनों को घर पर बुला लिया, और तुम हमें गलत समझ रहे हो।
कुछ समय के लिए और रुक जाओ, अभी मुहूर्त का समय नहीं हुआ है। तुम बड़े अच्छे हो महाराज। वो मुहूर्त कब आएगा? बताओ, जल्दी से बताओ ना। आप अपनी बेटी की शादी का मुहूर्त निकलवाइए और उसी दिन हमारे भाई से उसकी शादी होगी। ये भीम सिंह जो है ना, ये भूमि पर हाथ रखकर वचन देता है। हाँ बोलो सर, आपसे कोई मिलना चाहता है, भेज दो। माय नेम इज विनय, संध्या की न्यूज टीवी पर देखकर आया हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन है सर। संध्या को कैसे जानते हो तुम? संध्या मेरा प्यार है सर, मेरे खातिर वो गांव छोड़कर आई है। बैठ जाओ, एयरपोर्ट पे हम मिल ना सके। अगर कोई इन्फो सर, ओ माय गॉड, संध्या देखिए सर, संध्या मिल गई सर। इस पेपर पर सेलफोन नंबर भी है, हानी हम दोनों का कोडवर्ड है। ये सेलफोन संध्या को कैसे मिला? थैंक यू। संध्या, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना विनय? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। विनय, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अभी इस वक्त तुम कहाँ पर हो? साईं बाबा कॉलोनी में अपने फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ। तुम वहीं रुको, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। संध्या तुम कहाँ हो ये तो बताओ। तुम वहीं रुको, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। मेरी बात सुनो संध्या। ओहो, कितनी बातें करते हो, वहीं रुको। ओके, मैं आता हूँ संध्या, बाय। सर, आपकी वजह से मेरी संध्या मुझे मिल गई, थैंक यू। भाई तुम्हारा आइडिया काम कर गया, तुमने ऐड दिया था ना, विनय ने पेपर में देखकर फोन किया। थैंक यू बलराम। अरे अपने भाई को क्या ऐसा वैसा समझ रखा था क्या? हाय बलराम, हाय। सीमा तुम जानती हो, विनय ने मुझे फोन किया था, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। रियली? हाउ नाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ए क्या कर रही हो? ले जा रही हूँ। कहाँ ले जा रही हो? घुमाने ले जा रही हूँ। नहीं आए तो? नहीं आए तो जबरदस्ती ले जाऊंगी। हम दोनों यहाँ से रेलवे स्टेशन जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर जाओगी? हा? मेरे साथ सिंगल बर्थ पर सोओगी, रात भर डिलीवरी के सपने देखोगी, सुबह जल्दी उठ जाओगी, फ्लाइट पकड़कर हवा में घूमोगी, फिर उसके बाद हम साथ में बेडरूम में सो जाएंगे, है ना? है ना ये बात? माय बेबी, सो इंटेंशन। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सिंगल स्टेशन पर जाओगी, वहाँ जाकर किसी सिंगल मालदार मुर्गे को तलाश करके उसके साथ डबल हो जाना, वही सेटल हो जाना। बलराम देख लेना, एक हफ्ते में ट्रांसफर लेके आ रही हूँ मैं। ट्रांसफर करवा लो फिर बात करना। चलो बाली। ठीक है भाई। बलराम गाड़ी चलाओ। I'm telling you, I will not let you go. Definitely मैं ट्रांसफर कर। क्या बात है छोटे? दीदी दुल्हन मिल गई। मिल गई ना? चौधरी को बोलो कि शादी की तैयारी करें। तू डर मत छोटे, मैं सब देख लूंगी। चल रहे, चल। मेरे भाई ने अपनी जबान रख ली, वो दुल्हन को लेकर आ रहा है। बहुत खुशी की बात है। आंटी क्या हुआ? तुम्हारी बहन आ रही है, तुम्हारी बहन की शादी है ना, तुम्हें नए कपड़े पहनकर सुंदर दिखना चाहिए। मेरी दीदी को ये शादी पसंद नहीं है और इसीलिए वो गांव छोड़कर चली गई। उसे कुछ मत करना प्लीज आंटी, मेरी दीदी को छोड़ दीजिए। बड़ी बड़ी बातें छोटे बच्चे को नहीं करनी चाहिए, समझी? प्लीज आंटी। ए बाली, दुनिया में दो अक्षर हैं जो इंसान से हर काम करवा देते हैं। आ? नाम सुनते ही तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। दारू भाई, भाई दारू का दो बार सुनते ही मेरा दिमाग काम करने लगता है भाई। ए, मारूंगा अभी भाई, मैं बात कर रहा हूँ लव की, प्रेम की। उससे भी दो बड़े अक्षर है दुनिया में, ये आज मैं जान चुकी हूँ। सही बोली। दोस्ती, बलराम मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए तो इतनी मदद कर रहा है मेरी। सही बोला।
In chapter 2, text 62 and 63 of the Bhagavad Gita, it is said that while contemplating the objects of the senses, the person will be satisfied. Thus end the Bhakti Vedanta proposes in the third chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of Karma Yoga or in text 63. गाड़ी में बैठो, जितना बोला उतना करो, जब तक बोलो नहीं उतना नहीं, बालिश का ध्यान। हाँ भाई, हाँ, अपनी चुन्नी देना। In chapter 2, text 64 of the Bhagavad Gita, Lord Krishna said to disciple, Vinay, this is friend of honey. Be aware of dangerous people around you. Proceed to buy the car. The Krishna concept person, his satisfaction the Lord. Therefore, Hey! Isse jaane do! Hey! Balram! Agar marz ka bachcha hai, to samne aa! Hey, Balram! का बच्चा अरे बाहर आ तो बाहर आ आजा हमरे अवतार पुरुष संध्या को इससे मिलाने जा रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा नहीं होगा ऐसा पूरे गांव से बोलकर आया हूं कि तुझको मारकर संध्या को लेकर जाऊंगा गीता का उपदेश तो बहुत सुना होगा तू अभी भीम सिंह का उपदेश सुन एक इसको कैसे खत्म करता हूँ डाल दे पेट्रोल और खत्म कर इसको अरे ओ इंग्लिश माइक टेस्टिंग 1 2 3 ए संध्या कहाँ छुपी है बाहर आओ नहीं तो आज विनय का अध्याय समाप्त महायज्ञ हो जाएगा ये जो तुम्हारा विनय है ना वो आज यहीं पर चल कर राख हो जाएगा अभी राख डाल दे डाल दे पेट्रोल नो नो चल चिल्ला रहे तेरी आवाज सुनकर उस संध्या को आना चाहिए अरे रे 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 देखो आ गई संध्या आ गई भाई आ गई इसकी चीख सुनकर ए लाइटर दे रे अब जलाते हैं इसको संध्या संध्या भाई जल्दी आओ भाई अरे इस बार ये लोग बचना नहीं चाहिए
माफ करना भाई, चल ढूंढ रहे। उस तरफ देख। जल्दी चलो बलराम, खून बहुत बह रहा है, प्लीज हॉस्पिटल चलते हैं। पहले ये बता फ्लाइट कितने बजे की? वो तो जाएंगे। पहले मेरी बात सुनो बलराम, हम हॉस्पिटल चलते हैं। बाबू पहले हॉस्पिटल लेकर चलो। गाड़ी कितने बजे की है? 7:45। कार है नहीं मिला का? भाई पूरा प्लेटफॉर्म मिल गया, वो कहीं पे भी नहीं मिला। भाई दीदी का फोन। हाँ दीदी। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, सब लोग पूछ रहे हैं लड़की कहाँ है। उस साले बलराम ने सारा प्रोग्राम बिगाड़ दिया। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ उसी के पीछे हूँ, लेकिन भाग गए। पकड़ूंगा, कैसे भी पकड़ूंगा। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, सब जगह ढूंढो सालों को। जल्दी ढूंढ कर लाओ। दीदी दुल्हन की बहन भी अब सयानी हो गई है। एक तो दुल्हन का पता नहीं, इसलिए हम परेशान हैं। उसकी छोटी बहन जवान हो गई, ये बताने आई है तू? बेवकूफ कहीं की। दीदी उसको क्यों डांट रही हो? शादी के बाद वो पहली बार सही बात बोली है। ये तू क्या बोल रहा है? इस शादी हर हाल में होकर रहेगी। जिस तरह वो गई है ना, उसी तरह वो चल कर आएगी। दीदी तुम देखना, दीदी उसे हर हाल में आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। देखो संध्या, तुम कार में रहना, चल। हेलो बलराम। ए बलराम सुनो, तुम अकेली हो? मैंने तुम्हें वचन दिया था। दीदी और विनय को मिलाऊंगा, मैंने मिला दिया। अब तो खुश हो ना बलराम? विद्या, विद्या मुझे डर लग रहा है बलराम। विद्या बात क्यों नहीं करती? ए, मैं बात कर रहा हूँ। आश्चर्य हो रहा ना तेरे को? ए, उसको ले जाकर तेरे को क्या लगा कि तू जीत गया है ना? गलत, मैं जीता हूँ। उसको ले जाकर उसकी शादी करवा दे, उसकी सुहाग रात मनवा, भीम सिंह को कोनो तकलीफ नहीं होगी। जो मुहूर्त निकला है उसी मुहूर्त पे शादी होगी। दुल्हन कौन है पता है तुमको? संध्या नहीं, उसकी छोटी बहन। ए भीम सिंह, छोटी बहन की शादी है तो बड़ी बहन को बोलना पड़ेगा ना। चल बोल। अरे बोल ना, संध्या को फोन दे। दे ना। उस बच्ची को हाथ मत लगाना। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे छोड़ दो, ये बच्ची नहीं रही, अब ये जवान हो गई है। भीम सिंह अगर उस बच्ची को कुछ हुआ तो ये मत बोलना कि मैं तेरे गांव में खून की नदियां बहा दूंगा। हेलो हेलो विद्या, भाई से छोड़ दो, वो छोटी बच्ची मार डाल। उन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से मिलवाया है, अब संध्या को पता चलेगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बलराम मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तक मेरे शरीर में खून की एक बूंद भी रहेगी, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। भीम सिंह जैसे 100 लोगों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। चलो संध्या। आओ संध्या। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है बलराम, हमारी बात मानो, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। तो मैं बहुत बड़ा मर्द समझता था,
तू तो एक नामर्द निकला रे। डैडी, डैडी, मेरे घर आकर तूने मेरी बेटी को ले जाने की जरूरत कैसे की? ये बात क्यों छुपाई मुझसे तुमने? उसने मना किया था। वो बहुत सीरियस है। वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। टैक्सी, टैक्सी। कर्नूल चलोगी? जल्दी चलो। दुल्हन को लेकर आया हो, तैयार करो इसको। नहीं। छोटू चल अब सुहागरात के लिए तैयार हो जा। ये शादी का जोड़ा ऐसा पहना कर मंडप में ले आ। देर मत करना, जल्दी आना, समझ गई? ये पाप है? हाँ? इसे छोड़ दीजिए। तेरी तो तुझे तो मैं साड़ी पहनाऊंगी। नहीं 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 जानू मुझे नहीं आ रही है। क्यों रे, दरवाजा बंद क्यों किया? हाँ, दिमाग ठिकाने है ना? पागल तो नहीं हो गई? फिर से मार खाना है तुझे? मैंने कहा था ना तुझे कैसे छोड़ दे। दीदी जल्दी जाओ,
इधर जाओ। रुक जा। जल्दी जल्दी भाग जाओ। जल्दी जल्दी रुक जाइए। हट रास्ता से। ऐसा मत कीजिए, ये पाप है। अरे सुनो, वो लड़की भाग रही है, पकड़ो उसको। लोगों में से किसी ने मां का दूध पिया है तो इसको हाथ लगाकर दिखाओ। चल हाथ लगा, हाथ लगा माधवजात। चल तू लगा, लगाओ। डर गए क्या? Come on!
विद्या 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 क्या किया तूने? क्या किया इसके साथ बता? जबरदस्ती करेगा तेरी मदर जान। उठा उसको, उठा उठा उसको, उसकी आंखें खुलवा, आंखें खुलवा, होश मिला कमी ने इसका, होश मिला, होश मिला, मदर जान। रेप कर इसका, रेप कर, रेप कर ना, अब कभी रेप रेप करेगा, रेप करेगा, इसकी छोटी बच्ची का करेगा रेप। देख 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 वो नहीं, माफ कर, माफ कर दे, मैं तेरे पाप पड़ता, माफ कर दे, चल माफी मांग, माफी मांग, माफी मांग उससे, माफी मांग, माफी मांग उससे। बराबर है ना? हाँ हाँ सर, आगे दंडा डाल दो। हाँ, मैं हमेशा ताकत की ही बातें किया करता था, पर कभी मैंने अपनी बेटी को समझने की कोशिश नहीं की। एक बाप को क्या करना चाहिए तुमने एहसास दिलाया। बीबीसी में जाकर इस राष्ट्र का नाम नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करो। थैंक यू सर। एक दोस्त की हैसियत से तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगे। एक बात पूछे तुमसे, अगर बुरा ना माना तो? क्या तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? प्यार कब कहां होगा कोई नहीं जानता। मैं चाहूं या ना चाहूं फिर भी कभी भी किसी भी लड़की से ऑटोमेटिक प्यार हो सकता है? नहीं हो सकता है। स्टैंड से यहां तक आने के 100 रुपए, ये लो। हर जगह लूट मची है, जिसे देखो लूटता जाता है। तुम जिस तरह की लड़की ढूंढ रहे हो उसे आसमान से बुलाना पड़ेगा, वो धरती पर नहीं मिलने वाली। किस्मत में होगी तो आएगी। तुम्हारी पसंद देखकर लगता है तुम जिंदगी भर कुंवारे ही रहने वाले हो। ऊपर वाला यही चाहता है तो यही सही। क्या भाव है? 52 रुपए किलो मैडम। बाय, ऑल द बेस्ट। I'm sorry. Jean. अगर ये भी फंस गया तो? लॉकेट, लॉकेट, लॉकेट। दिखने में तो अच्छा लगता है, इसकी और मेरी जोड़ी जम सकती है। ये लॉकेट, अगर ये भी मुझे पसंद करने लगे तो फिर मैं इससे शादी कर सकती हूँ। शादी कर सकती हो?
प्यार हो गया तो शादी में क्या बुराई है? हाँ, तुम्हें हिंदी आती है? बहुत अच्छी तरह से, वो तो मेरी मदर टंग है। बोल के बताऊं? कहते हैं कि लड़की हंसी तो समझो फंसी। काल देखकर काटने को मन कर रहा है मेरा। ना बोलोगी तो चेन खींच लूंगा। शादी करोगे? हाँ। बुखार चढ़ गए, बुखार चढ़ गए, बुखार चढ़ गए, बुखार चढ़।